कि भैया आपको कितनी समझ है, ठीक है ना। काफी लोगों ने डी आंसर किया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, फिर छोटा और सबसे एंड में सबसे छोटा, है ना। जिन लोगों ने डी किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। यस ओके, डी इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? यू विल से कि भैया ओशन है तो इतना ज्यादा बड़ा ओशन होते हैं हमारे। पैसिफिक ओशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड 70% ऑफ द होल अर्थ इज नथिंग बट वाटर इन द ओशंस। बट प्रोडक्टिविटी ऑफ सच एन ओशन इज वेरी लो। व्हाई द प्रोडक्टिविटी इज लो? प्रोडक्टिविटी इज लो बिकॉज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर लो। वेयर विल बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स व्हेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर लो? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लो क्यों होंगे यहाँ पे? क्योंकि भैया जी यहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा है। आप मरीना ट्रेंच की बात कर रहे हैं, वो तो जितनी ऊंचाई हिमालय की उससे ज्यादा गहरी मरीना ट्रेंच है। इतनी ज्यादा गहराई पे, इतनी ज्यादा प्रेशर पे, इतने ज्यादा लाइट वहां पे जीरो होती है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन तो हो नहीं सकती। तो अगर प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना था और आपके ऑप्शंस में मैनग्रूव लिखा हुआ था, तो बेशर्त और बेधड़क आपका आंसर मैनग्रूव से शुरू होना चाहिए था। तो बोथ ए एंड डी आर रॉन्ग। एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ठीक है ओके। नाउ अगर आपका आंसर मैनग्रूव से शुरू होना चाहिए था, तो हमेशा मैंने आपको बताया है मैनग्रूव्स हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, दे आर इकोटोन स्पीसीज। और जब हम मैंने आपको इकोटोन की डेफिनेशन कराई थी, तब मैंने करवाया था कि भैया जी इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वहां पे प्राइमरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपने इस हिसाब से चलना है तो आपके हिसाब से ग्रासलैंड आना चाहिए। ओशन में सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी है अमंग द गिवन ऑप्शंस, ओके। तो ओशन लास्ट भी आना चाहिए था, मैनग्रोव फर्स्ट में आना चाहिए था, बाकी सब कुछ बीच में जैसे मर्जी हो, इफ दैट वुड नॉट हैव बीन एनी कॉन्सिक्वेंस, ओके। मेक सेंस? व्हाट द आंसर इज नाउ? ओके गुड, सी। यस सी इज द आंसर, नॉट बी, ओके। Make sense? Not D, not A, not B. Okay? The answer is C. Make logical sense, ठीक है? ध्यान से पढ़ा करो। जो लास्ट में दिया होता है ना, लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़नी है। डिक्रीजिंग पूछा, इंक्रीजिंग पूछा, तो डिक्रीजिंग पूछा गया तो सबसे ज्यादा पहले लगाना है आपको। हमेशा याद रखो ट्रांजिशनल जोन्स इकोटोन्स में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। अगर अब इसी क्वेश्चन में इफ आई रिप्लेस लेक्स को मैं डेजर्ट से रिप्लेस करूं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस नाउ? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस नाउ? मैनग्रोव ग्रासलैंड आगे रहेंगे, आगे बताओ आगे क्या चलेगा? यस वेरी गुड शना। देन विल कम ओशंस एंड एट द लास्ट वी विल कम डेजर्ट। मेक सेंस? ओके गुड। नाउ इफ आई एड कोरल रीफ्स, वेयर शुड आई पुट कोरल रीफ्स ऑन द स्केल ऑफ प्रोडक्टिविटी? वेयर इज कोरल रीफ्स? इज इट बिहाइंड ग्रासलैंड्स और इन फ्रंट ऑफ ग्रासलैंड्स? जल्दी जल्दी बताइए। नो फर्स्ट प्लेस, it is on second place. You have to understand the concept. Hamesha ek concept yaad rakhna, terrestrial ecosystem will have more biodiversity as compared to marine ecosystems, and coral reefs we include under marine ecosystems. Make sense? To sabse pehle mangroves hi aayega, then coral reefs aayega, then grasslands aayenge, then लेक्स आएगा, देन ओशन आएगा, एंड विद डेजर्ट आएगा। नाउ इफ आई इंक्लूड
tropical rainforest in the list? Where does it count? जल्दी जल्दी बताइए. फर्स्ट प्लेस, वेरी गुड. यस, दैट्स द फर्स्ट आंसर. मेक सेंस? तो ये आपने याद कर लेना है कि सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मैंने आपको अभी बताया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर मच मोर डाइवर्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेशक आपका नंबर एक पे आए. ओके, गुड. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? गुड गुड गुड. Now let us move some other questions. Let me take you to some other questions. The answer logically think karke answer karna. And I want every one of you to give the answer. Okay. Yes. Go through this question. This was in 2015. Think logically, okay? Think very, very logically. Which of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest, and deciduous forest also? First, in this type of questions, I always go through all the options first. Okay? Sari options ko dheere dheere dekho. Theek hai? Sabse galat options ko sabse pehle eliminate karna aapne. इन ऑप्शंस में अभी आपका कोई आंसर नहीं किसी ने करना. मेरे को अभी इन ऑप्शन में से आप सब ने सबसे पहले ये बताना मेरे को कि कौन सी ऑप्शन सबसे बड़ी गलत है. या आंसर बताइए आप, बाद में करते हैं इसको डिस्कस. वी विल डिस्कस इट लेट. गरिमा, अभी हमने कोरल लीव्स करने हैं बेटा, आज ही हम करेंगे. इफ एनी क्वेश्चन इज देयर वी विल डिस्कस एट द एंड. ओके, चलो आंसर करो भैया. ए बी सी डी, जल्दी जल्दी सारे आने. सभी सभी आंसर करो जल्दी. जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें. डी सी बी. नो वन फॉर ए, ए के लिए कोई बंदा नहीं है. बी डी. इतने डी हेमंत, इतने डी डी डी. गुड गुड गुड, सबने आंसर कर दिया. लेट मी सी. गरिमा यू हैव आंसर्ड. एवरीवन कोमल, जल्दी जल्दी. वेरी गुड. जल्दी जल्दी करिए. गुड, वेरी गुड. एवरीवन हैज सबमिटेड देयर रिस्पांस. विकास, विक्टर, वनीता, शहनाज, एवरीवन. गुड 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 गुड. चलिए 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 चलिए. गुड. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. फर्स्ट द क्वेश्चन इज कि भैया जी, कौन से इनमें से नीचे निम्नलिखित कौन से ऑप्शंस में से ये तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. एक को नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों को. ओके, फर्स्ट इज इट शुड बी अ मैनग्रोव फॉरेस्ट. विच इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट? कहां कहां पे पाया जाता है? वी सेड यस, यहां पे भी पाया जाता है. वी सेड यहां पे भी पाया जाता है. Do we find north coastal Andhra Pradesh?
North coastal Andhra Pradesh. Why no? Why no? Don't we have Krishna Godavari Delta over there? बताइए, डू और डू वी डोंट हैव कृष्णा गोदावरी डेल्टा ओवर देयर? एंड मैंने जब करवाया था तब मैंने आपको बताया था मैनग्रोव फॉरेस्ट आर प्राइमरीली फाउंड डेल्टास व्हेन देयर इज सेडिमेंट व्हेन देयर इज हाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. बताइए अमित, इज इट ओके? Everyone okay with this? Now another important point is southern Saurashtra. Yes, it can be true or it cannot be true. Bataiye, southern Saurashtra mein koi mangrove forest hai? And don't ask me what is southern Saurashtra. You should know which part I am talking about. बताइए, सारे चुप हो गए. क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? हाँ, इज इट दैट डिफिकल्ट? हाँ, कौन से मैनग्रोव्स आते हैं सदरन सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र रीजन इज विच एरिया? And do we find mangroves over there? Let me show you. Let me show you. This is. These are lagoons. There is mangroves also, na? Mangroves are also there. Yeah. This area is particularly known as Southern Saurashtra. Make sense? Okay. We do also have Northern Coastal Andhra Pradesh in Krishna Godavari Mangroves. Sabko okay hai ye sabre points? Theek hai? Everyone make sense? Chale aage? Good, good, good. Now, if this is not a distinguishing feature, okay, ye sab mein hi present hai. ओके मान लिया, तन ये देखते हैं एवरग्रीन, क्योंकि एवरग्रीन बहुत कम जगह पे है. हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां पे देखे थे? इन केरला सम जब हमने वो देखा था, है ना? ओके, डू वी सी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन सदरन सौराष्ट्र? नो, बिकॉज इट इज नॉट देयर. इट इज अ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास करती है. मेक सेंस? तो सबसे पहले यू शुड हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन सी. ओके, मेक सेंस? सबको पता है? गुड एवरीवन. ओके, नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न बंगाल, डू वी फाउंड साउथ वेस्टर्न बंगाल में हम कभी पाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? आंसर इज नो. वी फाउंड इट इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट में हम डालते हैं. याद है? याद है जब मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करवाया था या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करवाया था? वी आर टॉकिंग अबाउट मोइस्ट ट्रॉपिकल, मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो आंसर इज इट इज नॉट इन हियर, नॉट इन हियर. ओके, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, चाहे वो कोस्टल एरिया है लेकिन नहीं है वहां पे. आप सिर्फ बहुत दो तीन जगह पे ही पढ़ते हो, एक यहाँ पे पढ़ते हो और एक यहाँ पे पढ़, सॉरी नॉट इन हियर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पढ़ते हो. जो ट्रू मॉइस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं दे आर ओनली इन टू और थ्री लोकेशंस. एंड जो थर्ड लोकेशन है वो है अंडमान निकोबार. इफ यू गो थ्रू माय नोट्स जो मैंने आपको दिए थे या जब आपने फोटो खींची होगी, तो सिर्फ तीन एरिया मैंने करवाए थे आपको जहां पे ट्रूली ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट दिखाई देता आपको. तो वो तीन एरियाज ही हैं,
और इनमें से वो एरिया है, आंसर इज डी। मेक सेंस? सब बच्चों ने साउथ वेस्ट बंगाल के बारे में सुना था, सुंदरबंस के बारे में, एंड दे डिडंट वेंट अहेड एंड डेवलप दिस क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इफ यू गो मच मोर इनलैंडवर्ड्स यू विल फाइंड डेसिडियस फॉरेस्ट आल्सो। तब मैंने आपको जब करवाया था डेसिडियस फॉरेस्ट, वहां पे भी करवाया था, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अगर पुराना लेक्चर के पास किसी की जब आप जाओगे तो यू कैन सी इट ओवर देयर। मेक सेंस? चले आगे, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? डू दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी डू दिस क्वेश्चन। ये तो सबका आंसर दुरुस्त होना चाहिए, है ना, कौन सा हमें निकालना है, ठीक है। ये करवाया हुआ ना आर्टिक काउंसिल का, ये देखो 2014 में क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आंसर बिकम्स डी। मेक सेंस? ओके, करवाया हुआ है, रिव्यू द लेक्चर्स बिफोर। नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंकटन ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नाउ व्हिच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक is right? Again, जब ये question करना है always go what you think is सबसे गंदी option या सबसे गलत option को eliminate first करना है आपने। Which of the option you think is absurd or not needed here? Which is that option? Always develop this type of critical thinking. Okay? Which option is No, I'm asking in the terms of statements. One, two or three statement में से आपको कौन सी statement सबसे गलत लग रही है अभी के लिए? Good, good. Now, if you eliminate three, what are the options that are left with you? Very good, very good. If you eliminate three, this option gets eliminated, this option gets eliminated. Now this question you have to attempt in any cost, because now you have increased your probability of answering correct to 50%. Akkar bakkar bambe par bau karoge, even then you have 50% probability to tick the right answer. Okay, now this means ki you don't have to see this. This is true one way or the other. This is true, theek hai na? So if this is true, now the option only becomes this, because two to option mein hai hi hai, theek hai. Now if I say one mein kya the ocean acted carbon sink would be adversely affected, makes sense? Why it makes sense? Phytoplankton jitne hoenge wo carbon dioxide ko absorb karke organic molecules banayenge, hai na? To humne bola tha ki bhaiya ji carbon jo oceans mein major sink hota hai carbon ka, फाइटोप्लैंकटन होते हैं भैया। अगर फाइटोप्लैंकटन नहीं होंगे तो वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कौन अब्सॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर में रहेगी। मेक सेंस? रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपको बताया है सारा कुछ कैसे बनता है, C6H12O6, है ना? तो दैट मेक सेंस, इट इज नॉट। अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। ओके, आंसर इज की, मेक सेंस? चले आगे बच्चों, गुड एवरीवन। चलिए नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये भी 2015 में आया होगा। इनमें से कौन सा याद है आपको? दो ऑप्शंस याद होंगे आपको, देखना, मैंने बड़े बार नाम लिया उनके, आप मेरे को वो बता दें। आई थिंक रत्नागिरी एंड वेम्बानंद, है ना? वेम्बानंद कहाँ होना चाहिए? रत्नागिरी, महाराष्ट्र, वेरी गुड।
वेम्बनाथ का होना चाहिए, केरला, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए 4 है और डी 2 है? दीज आर द टू ऑप्शंस, बी एंड डी। ध्यान से देखिए, है ना, तो वी एलिमिनेटेड दीज टू। ओके, नाउ दिस यू क्वेश्चन हैव टू अटेम्प्ट, ये आपका उसमें नहीं आएगा कि आपको आइडिया नहीं है। जब आपने दो क्वेश्चंस या दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। ओके, इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नाउ द ओनली कंटेंशन इज बी आइदर 1 हो सकता है या बी आइदर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। पहले हम बी की बात करते हैं। चल लेट्स लेट्स डू फर्स्ट ऑफ सी। सी इज आइदर 3 और 5, 3 और 5, विच यू थिंक इज ट्रू? आंसर इज पीचावरम, हमने पढ़ा था। पीचावरम जो है वो तमिलनाडु में है, जब मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था। डी इज द आंसर, वेरी गुड, एवरीवन गुड। अब आपको आंसर दिख रहे हैं, पूछू फिर एक, मैंने अभी ना करवाया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब तो आपको आंसर इजी लगते हैं यार, है ना, सबका आंसर ये है, किसी का सुंदरवंश तो नहीं आ रहा। तो एलिमिनेट 4, दिस गोज, दिस गोज, दी ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। ओके, मेक सेंस? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू दिस क्वेश्चन। When you are reading this question, I should have made this question challenging, है ना? देखो भैया, A और B contradictory statements है, 1 and 2 are contradictory statements. If this question do come, भी बहुत rare chances हैं, but if do this question do comes, है ना? तो ये दोनों के opposite बात नहीं कर रहे, ये true कैसे हो सकते हैं दोनों साथ में? 1 and 2 दो साथ में इकट्ठे true हो ही नहीं सकते हैं. This option goes. ठीक है? Now अगर ये एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देगा बंदा आपको ऑप्शन में, तो उनमें से एक तो दुरुस्त होना चाहिए ना, ठीक है, तो ऑप्शन डी गोस। ठीक है, नाउ आपके पास ऑप्शन बता, 1, 4 या 1, 3 और 4, इसका मतलब 1 और 4 तो दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, 1 और 4 दुरुस्त है। जब 1 और 4 दुरुस्त है तो इसमें क्या नुकसान है बताइए? बताया नहीं था मैंने भैया जी, ऑयल बहुत बड़ा पड़ा है वहां पे आर्टिक ओशंस में, देर इज, क्योंकि आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को भी देखते हो तो वो भी आर्टिक ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, क्या फिनलैंड हो गया, यस बताया था आई थिंक ऑप्शन मेक सेंस, 1, 3 एंड 4। ओके गुड, दुरुस्त है जी, दुरुस्त है, चले आगे, गुड। ये मैंने आपको आई थिंक उसमें भी करवाया था, इसकी इंप्लीकेशंस में करवाया था कि व्हाई इंडिया नीड्स टू बी एन मेंबर ऑफ आर्टिक काउंसिल, है ना, हमें क्या फायदा, हम क्यों इसमें अपना टांग उड़ा रहे हैं, है ना। चलिए,
ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। मैंने ये देखा है कि भैया लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आप में ये इनकलकेट किया जाए कि आंसर किस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। मोस्टली ये क्वेश्चंस यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं 2012 में, 14 में, 15 में, 18 में, है ना। तो आई थिंक दैट विल डिवेलप इन यू हाउ वी कैन एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। अरे यार यही थोड़ा करवाना है, आज से लेक्चर भी लेना है तमन्ना। तो दीज आर गुड पॉइंट, दिस क्वेश्चन अगर हम रेगुलर डिस्कस कर पाए दैट्स ए गुड थिंग। ओके चलिए फिर हम शुरू करने जा रहे हैं कोरल लीव्स। यस यस यस, घबराया मत करो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, अगर आपने घबरा गए ना तो आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, उसी टाइम में आपके दिमाग खत्म हो जाएगा आधा, ठीक है। व्हेन द क्वेश्चन कम्स, जितना आपकी आपका स्किल सेट है उसके हिसाब से क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन डिफिकल्ट हम बनाते हैं, आइदर टाइम कम हो रहा होता है, आइदर पिछले क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं, आइदर लंबे क्वेश्चन होते हैं, है ना, आपको पेपर खत्म करना होता है। दीज फैक्टर्स डू काउंट इन, और ये बहुत मैटर करता है। आप देखना अगर आप 10 क्वेश्चन सीधे ठीक कर रहे हो ना, मतलब जल्दी जल्दी से सॉल्व कर रहे हो, यू विल से कि यार मेरी तो एक स्पीड पेस बन चुका है। उस हिसाब से अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है ना पेपर में, तो आप देखोगे कि आप बाकी पेपरों के अलावा अटेम्प्ट करने में बहुत चीज करता है, बहुत सारे स्ट्रेटजीज आती हैं अटेम्प्ट करने की भी। लेकिन एक स्ट्रेटजीज मैंने यूज की हुई अपने आप तक से, व्हेनेवर यू गेट स्टक समवेयर, व्हेनेवर इन इन सीएपीएफ का पेपर है, इन यूपीएससी का पेपर है, आप ह्यूमन ही हो, तो आप ये मत सोचो कि भैया आप स्टक नहीं करोगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो स्टक नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज नॉट देयर दैट डजंट स्टक इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। The thing is they have strategies. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे अड़ गया हूँ और उसके बाद मेरे नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चन अट रहे हैं, ठीक है, लीव दोस क्वेश्चंस, गो टू द प्लेस, क्लो टू द क्वेश्चन विच यू थिंक यू कैन आंसर, विच इज योर स्ट्रॉन्ग होल्ड, विच इज योर 40। ओके सपोज इफ आई एम डूइंग जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोज मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा है, तो आपने देखा होगा 1 to 30 नंबर क्वेश्चन, 32 आई थिंक, पहले 32 क्वेश्चन सीएपीएफ 2020 के नथिंग बट योर साइंस एंड टेक, है ना, 32 क्वेश्चन, गो देयर, वहां पे डॉल करोगे 32 में से, मेरे हिसाब से जितनी मैंने मेहनत कराई आप कम से कम 20 से 25 आप ठीक करोगे। अगर आपने मैं जितना बोला है उतना पढ़ा हुआ है, लेक्चर रिवीजन की हुई है, टेस्ट दिया हुआ है, अच्छे नंबर लाए हो, ये तो मिनिमम नंबर आप देख लेना उठा के 20 से 25 क्वेश्चन। मैम नहीं बोलता कि 32 के 32 क्वेश्चन आपको आएंगे, बट दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस, यार नहीं मेरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि मेरे को नहीं आता है पेपर में। 20 25 क्वेश्चन अगर मैं आंसर कर पा रहा हूँ दैट मीन्स आई हैव लर्न समथिंग। ओके तो ये जरूर करना है, यही चीजें हम रोज डेवलप करेंगे। अब रोज 10-15 क्वेश्चन रेगुलर अगर आपको कराऊंगा मैं, आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग स्टडी। ओके Now we are discussing coral reefs. Okay, that is why they are important and what extra we need to know about this. Now while we are discussing coral reefs, let me let you know कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। Okay, सबसे पहले coral reefs ऐसे बनाओगे आप, CR coral reefs, सबसे पहले पढ़ना है what are they, ठीक है ना। Coral reefs are the symbiotic associations between zoos and tail and what? Polyp, ठीक है ना? अच्छा ये है तो ये definition होगी, पहले तो definition लिखोगे आप, ये तो मैंने बताई है ना, हम अच्छी से proper वाली definition पढ़ेंगे। Then what? Is the distribution, हम पढ़ेंगे what are the biotic and abiotic factors that are necessary for their survival, that is a very important question actually, क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम distribution, कहाँ पे distributed है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पूरे world में भी कहाँ कहाँ पे है और इंडिया में कहां कहां पे पाई जाती हैं, याद है आपको, अभी आज हम एक क्वेश्चन करके आए इसके बारे में, है ना। फिर हम पढ़ेंगे, ये एक चार्ट सा बना लो अपने पास, रफ सा डायग्राम बना लो, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन वी विल डू
डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स. सेकेंड पॉइंट है, व्हाट आर द डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स. ओके, नंबर वन इज डेफिनेशन, नंबर सेकेंड इज व्हाट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. इसमें क्या क्या आएगा, लाइक पीएच आ गया, लाइक सिल्टेशन आ गया, लाइक सैलिनिटी आ गया, लाइक टेम्परेचर आ गया. दीज ऑल आर एबायोटिक फैक्टर्स. सनलाइट आ गया, क्लियर वाटर आ गया, ये तो आ गया ना. और बायोटिक फैक्टर्स जो हम कॉज करेंगे, ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी चीजें चाहिए इनको सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, अच्छा ये होगा, टाइप्स होगी. टाइप्स के बाद वी विल डिस्कस, लेट मी थिंक, लेट मी चेक और क्या क्या डाला मैंने. वेट वेट वेट, ओके ओके, रीफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, टाइप्स ऑफ कोरल्स, ठीक है, इन इंडिया, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया भी पढ़ लेंगे हम. देन वी विल डू इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी, देन वी विल डू इम्पोर्टेंस ऑफ रीफ्स. रीफ्स की क्या विशेषताएं हैं हमारे लिए, ठीक है ना, व्हाई वी नीड टू कंजर्व रीफ्स. देन वी विल डू अनदर क्वेश्चन विल बी, लेट मी चेक व्हाट इज दैट, व्हाट आर द थ्रेट्स टू कोरल. जब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया तो बशर्ते हमें एक चीज और पढ़नी जरूरी है, व्हाट आर द थ्रेट्स टू कोरल. जैसे हमने थ्रेट्स टू मैनग्रोव पढ़े थे, उसी तरह हमने ये पढ़ना है. नेक्स्ट वी नीड टू डू इज व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व कोरल रीफ्स. कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट ग्लोबल एंड गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या क्या सॉल्यूशंस ऑफर किए गए हैं, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो एक्ट हो, कौन कौन से एक्ट पास किए गए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वे फॉरवर्ड, ठीक है. Make sense? When you cover all these topics that constitute your coral reefs, ठीक है, ये पूरा आपने एक चैप्टर किया, समझ रहे हो. इसी तरह हमने मैनग्रूव्स के लिए मैंने आपको एक दिखाया था ना, बनाया हुआ. लास्ट इज वे फॉरवर्ड, आपको आगे क्या एक यूनिक सोल्यूशन क्या ऑफर कर रहे हो आप, जो बाकी सबने नहीं लिखा होगा लेकिन आप लिखो. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं, इसी प्रकार से आपको आंसर पेपर में भी इसी प्रकार से देखना, लेकिन ध्यान रखना पेपर में आपसे इतना सब कुछ नहीं पूछा जाएगा. पेपर में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट कोरल रीफ्स हैज बीन अंडर थ्रेट विद रिस्पेक्ट टू कोस्टल रेगुलेटरी जोन नोटिफिकेशन 2019, व्हाट आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स अपॉन दिस नोटिफिकेशन अपॉन कोरल रीफ्स, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा रहा. तो ये सारी रामगाथा नहीं करनी है, जितना पूछा गया है उतने की बात करनी है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात. एवरीवन अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट. ये हम डिस्कस करेंगे आज क्या क्या पूछा गया, तो कैसे कैसे डिसीज कर. चले आगे बेटा, बताइए. चलो लेट्स डिस्कस द बेसिक्स फर्स्ट. बेसिक्स में आपने मार नहीं खानी है. What are coral reefs? They are hard, intricate, colorful, three-dimensional structures with hiding places, nursery and habitats for thousands of fish and invertebrates. ये इनकी general definition है. You don't need to mug up all the definitions, but you must understand what is the concept. Hard होते हैं. Hard क्यों होते हैं ये? बताइए. क्योंकि calcium carbonate के shells होते हैं. याद है हमने बनाया था कि coral reefs जो होते हैं. Let me show the definition with you guys. They belong to the phylum. You should know which phylum, Cnidaria. हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में, Anthozoa के बारे में, ठीक है, जिसमें sea anemones पढ़े थे हमने, polyp पढ़े थे हमने, we also read was hydra पढ़ा था हमने, या ठीक है ना, ठीक है. Hard ये बेटा इसलिए होते हैं because ये calcium carbonate का shell अपने पास लगाते हैं. Let me show you.
ये इस प्रकार के दिखते हैं कुछ, एक एक जो प्रजाति होती है ये इस प्रकार से दिखती है। ये देखो एक ओपनिंग दिख रही है माउथ, और ये साथ साथ में दिख रहा होगा टेंटिकल्स, टेंटिकल्स हैं साथ साथ में जो लिखा हुआ, जिसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद है हमने पढ़ी थी ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी, जैसे हमारे में तीन है समझ रहे, हम एंडोसील, एक्टोसील, हमने पढ़ा था सिलोम, है ना, यू नो अंडरस्टैंड। अब वो ही यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सिर्फ सिंगल माउथ ओपनिंग है, पर इनमें माउथ के ना तो प्रॉपर ऑर्गन्स है, ना ही इनके प्रॉपर ये कहें हम कि भाई सिंगल ओपनिंग है, देर इज नो आउटलेट नहीं है यहाँ पे। क्यों क्यों यहाँ पे इनके जो पैर है जहां पे ये टिके हुए हैं, ठीक है ना, जहां पे टिके हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे स्क्रीट किया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करके अपने पैर जमा दिए हुए हैं जम के। अब ये आप पानी लेते हैं अंदर से, और जो प्रे आती है, जो भी इनकी फाइटोप्लैंक्टन आता है, जू प्लैंक्टन आता है, वो इनके नेमेटोसिस से टकरा के इनके अंदर गिर जाता है, तो दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स। ओके, फिल्टर करके खाते हैं। मेक सेंस? देयर इज नो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, देयर इज नो, देयर इज, दे आर एसिलोमेट्स, देयर इज नो ट्रू कैविटी। आई थिंक आई हैव मेड दिस सैम्पली क्लियर टू यू गाइस, ठीक है ना, कि क्या चीज होती है, एसिलोमेट क्या होती है, स्यूडो सील्स क्या होते हैं, ट्रू सिलोम किस में पास होता है, याद है, वी डिड ऑल दैट। ठीक है, समझ लग गया बेटा? ओके ओके, तो इनके अंदर ही यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, एल्गी, है ना, ग्रीन एल्गी जिसको जूजेनथेल बोलते हैं, जिसके कारण इनका कलर आता है। ये कलरलेस होते हैं, इनका सिर्फ व्हाइट कलर होता है, व्हाइटिश ग्रे कलर होता है इनका, बट इनको कलर कौन प्रोवाइड करता है, कलर इनको प्रोवाइड करता है आपका जूजेनथेल। ठीक है जी, एल्गी जूजेनथेल क्या करता है इनको, देखो अब देखो, इनके पास अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, किनके पास, पॉलिप्स के पास, याद है हमारे पास किडनीज है, हमारे पास लिवर है, हमारे पास प्रॉपर लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां से हम पुश करते हैं जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, इनके पास वो नहीं है। ठीक है, तो इनका, अब आप सबको पता है कि भैया जी व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पी, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब हम कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज खाते हैं ना, ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, CO2, एवरीवन अंडरस्टूड ना, प्लस H2O, प्लस 3080 ATPs, याद है, एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोडक्ट ऑफ नॉट फोटोसिंथेसिस बट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वाटर बॉडी को चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, प्लस हीट भी चाहिए होती है, ये सब तो बॉडी ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, हम तो रेस्पायर आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्राणी को देखो, इसके पास एक ही कैविटी है जहां से सिर्फ अंदर की तरफ आता है फ्लो, मेक सेंस, यहीं से बाहर जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एल्गी। एल्गी क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से खाना बना देता है, फोटोसिंथेसिस करके CO2 प्लस H2O फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल द प्रोडक्ट्स, फिर ये सिस्टम चलता रहता है, दैट इज व्हाई दे फॉर्म ए सिंबायोटिक एसोसिएशन। एक सेंस, चले आगे, ठीक है, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कार्बन सिंक का, सॉरी कार्बन कार्बन सिंक का, है ना, कि भैया जी कार्बन सिंक कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, कोरल रीफ्स हाउ दे एक्ट एज ए कार्बन सिंक। देखो CO2 ये लेते हैं जो कि वाटर, मैंने आपको पहले बताया CO2 इज अबंडेंटली वन ऑफ द मेजर सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओशन, है ना, अगर हमारे पास ओशन ना होते तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी वातावरण में होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, इन ओशंस, जब ये वाटर से टकराती है, सॉरी ये प्रजाति क्या होती है, पॉलिप्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, कैल्शियम और ऑक्साइड से यूज करके,
क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हो, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है ना? अंडरस्टूड? अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा कि जो ये पॉलिप्स हैं, इनके यहां से जड़ लगी होगी, ये ऊपर को ऐसे जा रहे होंगे, नीचे बनाते हैं, ठीक है ना? और बाद में ये फिल्टर फीडिंग करते हैं ऐसे करते हैं। एवरीवन गुड, मेक सेंस? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट को फिक्स कर रहा है, मेक सेंस? तो ये कार्बन है, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए जा रही है या शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए जा रही है, बताओ? लॉन्ग टर्म, व्हाई? बिकॉज ये एक तरह का सरफेस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना? जब ये पॉलिप मर जाएगा तो ये सारे का सारा कैल्सीफाइड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉलिप ग्रो करेगा वो इसी के ऊपर करेगा, जब वो मर जाएगा फिर वो उसके ऊपर बन जाएगी कॉलोनी, वो उसके ऊपर बन जाएगी कॉलोनी, वो उसके ऊपर बन जाएगी कॉलोनी, मेक सेंस? ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जा रहा है। कैन यू से दैट इज इट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन सिंक, मेक सेंस? ओके, दिस कंसेप्ट यू नीड टू नो। तो अगर कोरल रीफ्स को थ्रेट पहुंचता है, अगर उनकी ब्लीचिंग होती है, या अगर वो मर जाते हैं, या अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जहां उनको थ्रेट आता है कोई, डू यू गेट व्हाट अफेक्ट वुड इट बी अपॉन द ग्लोबल कार्बन सिंक? इसके दो इफेक्ट होंगे। देखो, एक तो बशर्ते आप सबको पता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ओशन फिक्स करते थे, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में यूज करते थे, अब वो वातावरण में जाएगी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा, और जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, दैट इज लेड टू, इट विल लीड टू इंक्रीज इन ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो वाटर के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? कार्बन कार्बोनिक एसिड बनाएगी ना, दैट इज अ वीक एसिड, H2CO3, मेक सेंस? ठीक है, तो अगर H2CO3 बढ़ गई तो वाटर की पीएच लेवल बढ़ेगी या कम होगी? बताइए, लेस, मेक सेंस ना? तो जैसे जैसे कार्बन की पीएच लेस होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, और कोरल रीफ्स खराब होंगे, और कोरल, जिसको आप ब्लीचिंग बोलते, कल भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया होगा कोरल ब्लीचिंग के बारे में, है ना? तो जब और कोरल ब्लीचिंग होगी, और कार्बन और ज्यादा ये एसिडिफिकेशन चलती रहेगी, तो इस चक्कर चलता रहेगा जब तक कि सारा कोरल ओशन एसिडिफाई नहीं हो जाता। जब कोरल ओशन एसिडिफाई हो जाएगा, सोचो कुछ बहुत ज्यादा एसिडिफिकेशन हो गया, व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट अपॉन द बायोडायवर्सिटी? It will increase or decrease? It will be much more threatened. Okay? Make sense? Now, एक बात मैंने आपको last class में भी कही थी कि they are also called the rainforest of the ocean. इसको क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, rainforest ocean इसके लिए बोला जाता है because ये बहुत ज्यादा protected करती हैं, जो प्रजातियां इसके पास आती है, मच्छियों की प्रजाति आती है, इसके पास खाना मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रोटी, कपड़ा, कपड़ा तो नहीं बोलेंगे पर रोटी और मकान मिलता है ना, क्योंकि ये बैरियर बनाती हैं। बैरियर रीव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इनके पास जैसे बैरियर बना दिया तो वेव सीधी टकराएगी इनके पास, जो इधर वाला जगह है ना, वो बच जाएगी ना, तो प्रोटेक्टेड शेल्टरिंग ये करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करता है। तो अगर कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, दैट विल फर्दर डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, मेक सेंस बच्चा? या प्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन, वेरी गुड। चलिए, कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं बोली अभी तक? ठीक है, चलिए और बात करते हैं। फिर ये बात समझ लग गई, नेट भी आपको कौन से फाइला को बिलोंग करती है, दे मेड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
What else? What else? It is said that coral reefs are habitat for 25% of total marine species. जितने भी marines ocean में जितने भी marine species होते हैं, उसका 25% हिस्सा कहाँ पे रहता है? Coral reefs पे रहता है. जब coral reefs में इतनी ज़्यादा biodiversity होगी, अब कुछ सोचो, इंडिया में जहाँ जहाँ पे coral reefs होंगे, वहाँ वहाँ पे मछुआरे बहुत होंगे, ठीक है? वहाँ वहाँ पे उनकी colonies बड़ी होंगी. अगर आप कभी मुंबई की तरफ गए हो, या अगर आप के इधर की तरफ गए हो, क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ गए हो, या आपने देखा होगा वहां पे एक प्रॉपर कॉलोनी होती है मछुआरों की, है ना? देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन दैट, है ना? तो क्योंकि ये दे आर द प्राइम रीजन जहां पे बहुत ज्यादा फिशिंग की जाती है. ठीक है, चले आगे. दूसरी बात है कि भैया जी, they have shallow, they are found, mostly found, देखो लिखा हो, mostly found in the shallow coastal zones of tropical and subtropical oceans. याद? चलो चलो, कहाँ चलो मनीष? तो mostly they are found in the shallow coastal zones of tropical and subtropical oceans. ये हम मैनग्रूव्स में भी पढ़ के आए थे, अगर आपको याद हो. ठीक है, तो वही 30 north to 38 अराउंड साउथ, ठीक है ना? दे आर नॉट फाउंड इन द टेम्परेट जोन. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. मेक सेंस? गुड. चलिए फिर ये भी कर दिया. कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स बनाते हैं अपने अराउंड ताकि ये हार्डन हो जाए, और उसके कारण क्या होता है, कोरल रीफ्स जो हैं उसके ऊपर चलती रहती हैं. जब वो मर जाते हैं, उनके ऊपर और डेवलप हो जाता है. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर हम. लेट मी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इश्यूज. तो हम डिस्कस कर रहे थे, लेट मी चेक, वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन, ठीक है ना? What are the abiotic factors? Now let us study what are the different factors that are affecting coral reefs. Okay? Coral reefs को और क्या क्या affect करता है? ये देख रहे हो, पा रहे हो? Limiting factors. ठीक है? Latitude, temperature, light, salinity, turbidity and sedimentation, wave action. एरियल एक्सपोजर. ठीक है, पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड वाइज. कितने लैटिट्यूड में देखने को मिलेगी आपको? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दैट इज 30 north 30 south. इतना याद रख लो बस, फॉर 38 भी मत करो, 30 north 30 south. मेक सेंस? गुड. नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज how much temperature do you require? Wait, let me check it out. This is the normal temperature range. Okay, they are very temperature sensitive. ठीक है, कई books में इसको range दिया गया है 20 to 32, but हम average मान के चल रहे हैं. इन दोनों का average करो तो इतना ही आता है. ठीक है ना? तो अगर बढ़ोगे या कम होएगा टेम्परेचर इससे, तो दैट विल सिवियरली अफेक्ट द टेम्प ऑफ द क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ द कोरल रीफ्स. ओके, गुड. अब डेप्थ का भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. कितनी डेप्थ होनी चाहिए? ये नहीं बहुत ज्यादा गहराई है, ठीक है? तो कितनी डेप्थ होनी चाहिए? ठीक है, 80 feet to 230 feet. ओके, मेक सेंस? बताओ बच्चों, make sense? Now try to analyze how can I use this information. अब याद रखो, सारी logical चीजें हैं. अगर मैं बोल रहा हूं 80 feet से 250 feet तक पानी की गहराई होनी चाहिए, यानी कि shallow water होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहरा water नहीं होना चाहिए. Now खुद सोचो, if I'm talking about, ये कहां पे होंगे? इंडिया में. ये इंडिया में हमेशा कोस्ट लाइन के पास ही होंगे, मेनलैंड इंडिया के कोस्ट में होंगे. लक्षद्वीप और अंडमान को छोड़ दो, वो तो होंगे आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स में तो पानी लगेगा ही, तो वहां तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी.
उनको अगर छोड़ देते हो, इंडिया में आपको ये प्रिडोमिनेटली कहां पे देखने को मिलेगा? इट विल बी हियर और विल इट बी हियर? कौन सी कोस्ट में, ईस्ट और वेस्ट? मेक लॉजिकल सेंस. ओके, Why west? Why not east? Make logical sense, okay? Why west? Why not east? दिख पा रहा है? ये दिख पा रहा है आपको? What is that? कोस्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ सबमर्जेंस. गुड गुड गुड, लगा समझ? ठीक है, ओके. क्योंकि दे आर द कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है. तो गहराई यहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे ना, कोस्टल एरियाज ज्यादा इनंडेटेड होते हैं, ठीक है ना, समझे? शालो वाटर यहाँ पे, ठीक है. ये कोस्ट ऑफ इमरजेंस है, यहाँ से तो पानी जा रहा है नीचे को, समझ रहे हो? ये तो एरियल एक्सपोजर के कारण यहाँ पे मर जाएंगे बेचारे, इसलिए यहाँ पे नहीं पाए गए. कहाँ पे पाए जाते हैं? इन सोर्ट के एरियाज में. ये देखो, श्रीलंका के अराउंड गुल्फ ऑफ मन्नार, गुल्फ ऑफ मन्नार जो है, और पाक बे है, ठीक है ना. इस एरिया में अगर आप देखते हो, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, अंडेवान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, तो इंडिया में यहाँ यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है. मेक सेंस? चले आगे. बताइए जनता जी, चले आगे. चलिए, फिर हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया वो? या सैलिनिटी, दे रिक्वायर हाई डेंसिटी, ओ सॉरी, हाई सैलिनिटी. ओके, नाउ अगर सैलिनिटी इतनी है, तो ये ओशन की नहीं होती 35 PPT? याद है मैंने आपको करवाया था, 0 to 0 होती है नॉर्मल वाटर की, 0 to 10 है ना, 10 से लेके 35 होती है ब्रैकिश वाटर की, और 35 से अबव होती है, 35 या 35 से अबव होती है सी वाटर की. तो दे विल प्रेफर एस्चुरी और दे विल प्रेफर सी वाटर, दे विल प्रेफर सी वाटर. तो जहां जहां पे एस्चुरीज होती हैं, वहां वहां पे ये नहीं होते हैं. मेक सेंस? कहाँ पे नहीं होएंगे? जहां पे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है. वाटर डिस्चार्ज मतलब रिवर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो कहाँ पे, जहां पे भी डेल्टाज हैं, जहां पे भी एस्चुरीज हैं, वहां पे नहीं होएंगे, समझ रहे हो? ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट है. लग रहा, समझ बेटो? गुड, चलिए आगे चलते हैं. हेलो, चलिए. नाउ सैलिनिटी का कंसेप्ट समझ लग गया. नाउ लाइट, जूजेंथेल नीड लाइट टू सरवाइव, ऑफ कोर्स. क्योंकि जूजेंथेल, क्योंकि सिंबायोटिक एसोसिएशन है, तो ये बहुत ज्यादा बेंथिक ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते हैं, ये वहां तक ही होंगे जहां पे यूफोटिक जोन है. याद है यूफोटिक जोन पढ़ा था हमने, यूफोटिक जोन है ना. तो यूफोटिक जोन जहां पे होगा, वहीं पे लाइट होएगी, वहां पे ही खाना बनेगा, वहां पे ही जूजंथिल सरवाइव कर पाएंगे. तो ज्यादा गहरे पानी में ये लोग नहीं रह पाते. ओके, सेडिमेंटेशन. अब बताओ, ज्यादा सेडिमेंट इनके लिए अच्छा है कि खराब है, बताइए? खुद सोच के बताओ, इसमें पढ़ने वाली बात नहीं हुई. खुद सोच के बताओ, अगर एक जगह पे सेडिमेंटेशन ज्यादा है, That area would be like delta, है ना, delta. वहां पे तो मैनग्रूव ज्यादा हो सकते हैं, पर क्या वहां पे कोरल रीफ्स बन सकती हैं? नो. व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन होगा, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे, जब आप नदी का बहाव देखते हो, बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उनका बहाव थोड़ा मिट्टी मिट्टी वाला पानी नहीं हो जाता, आपने देखा होगा, है ना. जितना भी मडी वाटर होगा, ठीक है ना, मडी वाटर होगा, उतना सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, उतना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, और उतना ज्यादा कम वहां पे कोरल की संभावना होगी, कोरल रीफ्स की, ठीक है. पहली बात, सैलिनिटी फ्रेश वाटर से तो ये वैसे डरता है, तो सैलिनिटी का डर के कारण ये आएगा ही नहीं आगे, क्योंकि
ये कहाँ बनता है, ये सी और लैंड के बीच में बनता है, ठीक है, जहां पे आइलैंड्स होंगे वहां पे ज्यादा बनेगा, जहां पे एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन होगी वहां पे बनेगा, ठीक है जी, ओके, मेक सेंस। चले आगे, तो ये आपको समझ लग गया, सेडिमेंटेशन बहुत कम होनी चाहिए वहां पे, और डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब एक्सपोज टू एयर, एरियल एक्सपोजर ये के कारण ये मर जाता है, ठीक है, अगर ये ज्यादा टाइम पानी से बाहर रहेगा तो मर जाएगा, ठीक है, तो इसी कारणवश हम बोलते हैं कि डेसिकेशन सूखने के कारण या सनलाइट के एक्सपोजर के कारण ये पानी के अंदर ही जीवित रह सकता है। कौन सा पानी होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए, शैलो वाटर भी कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए शैलो, उसकी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, साल्ट लेवल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो दे ऑल आर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने आपको यहाँ पे करनी भूल गया, स्टार मार्क के इसको करना, कोरल लाइक्स एरिया विद लॉट ऑफ वेव्स, ठीक है, तो जितनी ज्यादा वेव्स आएंगी उतना बेहतर है, किसके लिए, कोरल के लिए। अब बोलो सर इसका क्या मतलब है, व्हाई कोरल लाइक्स अ लॉट ऑफ वेव्स, बताइए क्या सेंस बनती है इसकी, जितना ज्यादा वेव एक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, क्यों ये लाइक करता है इतना भी इसको, हाँ खाना नहीं, खाना नहीं, नॉट न्यूट्रिशन, बट कोरल्स जितना ज्यादा वेव्स को इतना लाइक करते हैं क्योंकि ये सेडिमेंटेशन को नहीं होने देते हैं, ठीक है, मोस्टली दिस इज द रीजन, या न्यू वाटर जो आएगा वो रेगुलर वाटर है, रेगुलर न्यूट्रिशन लेके आएगा, दैट इज सेकेंडरी रीजन, है ना, व्हाई कोरल्स लाइक लॉट ऑफ वेव्स इज बिकॉज इट विल टैम्पन सेडिमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेडिमेंटेशन कोई हो भी रहा है तो ये सेडिमेंटेशन को टिकने नहीं देगा, जितना ज्यादा अपने पास वेव एक्शन आता है इरोजन ज्यादा होती है ना, दैट इज व्हाई लॉट ऑफ कोरल्स जो है जहां पे ज्यादा सी वेव एक्टिविटीज होती है वहां पे ज्यादा पाया जाता है, मेक सेंस। चले आगे, नाउ वी हैव डिस्कस्ड दीज इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स, इसके साथ पीएच भी जोड़ लो आप, पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर एसिडिफिकेशन हो रहा है किसी कारणवश भी, ठीक है ना, चाहे वो एसिड ड्रेन के कारण हो रहा है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई है उसके कारण हो रहा है, चाहे वो कोरल रीफ्स खराब हो रहे हैं, ब्लीचिंग हो रही है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है ओशंस में और उसके कारण एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो दैट इज वेरी सेंसिटिविटी टू द पीएच, ओके, तो आपको ये नहीं लगता कि भैया दीज आर एन इंडिकेटर स्पीसीज, व्हाट डज दे इंडिकेट, दे इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द ओशंस, याद है हमने लाइकन पढ़ा था, लाइकन जब मैंने आपको करवाया था लाइकन के बारे में बोला था, दे आर ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज, they indicate the, what they indicate, the level of, या किस हिसाब से आप अपनी हवा है वो किस प्रकार की है आपकी, अगर गंदी हवा है तो वो काला हो जाएंगे, yes, sulfur, very good, तो हवा में सल्फर impurities का लेवल चेक करने के लिए आप इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी देखते हो, lichen, लेकिन अगर ओशन की हेल्थ के बारे में जानना है आपको तो वो यू विल चेक वट, जैसे हम आपका थर्मामीटर होता है ना बुखार देखने के लिए, ये आपका ओशन का थर्मामीटर है चेक करने के लिए अबाउट द हेल्थ ऑफ द ओशन, अगर ये ब्लीचिंग हो रही है, अगर कोरल ब्लीचिंग हो रही है, दैट मींस द जो 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 सी है वो सिक है, इसका मतलब आइदर इनमें से कोई भी फैक्टर काम कर रहा है, हो सकता है कि सैलिनिटी बढ़ गई हो सकता है कि डेप्थ कम हो गई हो, डेप्थ बढ़ गई हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो ड्यू टू यू नो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हो सकता है कि सेडिमेंटेशन का रेट इंक्रीज हो गया, हो सकता है कि वो एक्सपोज टू एयर हो गया, ठीक है ना, दे ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, दैट इज व्हाई यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, ओके, मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव डिस्कस द सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस डन लेट अस डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन, इंडिया में बता दिया आपको
लेट मी शो यू द वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है? क्या होना चाहिए करीमा, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? यू आर आस्किंग व्हाट? पीएच, पीएच नॉर्मल वाटर का इज 7.35 to 4.5, ओके? इट शुड बी विद इन दिस, ओके? इफ इट गोज बिलो दैट 7.30, 7.28, इट बिकम्स मच मोर एसिडिक, ओके? तो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी विद इन दिस लिमिट, मेक सेंस? चलो Now let us discuss distribution. Now, distribution, association, yes. तो basically दो regions में, बहुत बड़े regions में पाया जाता है. 90% of the all the coral reefs in the world are found in two broad areas. Indo-Pacific, जिसको आप बोलते हो, ये इंडिया देख रहे हैं आपको, ये इंडिया में यहाँ पे हो गया, ठीक है? मलायन रीजन, ये वाला रीजन हो गया, ये न्यू कैलिडोनिया रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे सबसे बड़ी रीजन में पाया जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के साइड में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये दुनिया की सबसे बढ़िया बड़ी बैरियर रीफ है, ठीक है ना? कोरल रीफ है मतलब, ठीक है जी, गुड. ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स. अच्छा, ये हो गया, समय लग गया. नाउ इंपॉर्टेंट रीजन जो आपने सबने मिस कर दिया है, वो ये है, ये व्हाट रीजन इज दिस, जहां पे ये पीला पीला दिख रहा है आपको, व्हाट रीजन इज दिस? व्हाट रीजन इज दिस? सुएस कैनाल कौन से सी को ड्रेन करता है, कौन सा सी है यहाँ पे? वेरी गुड, रेड सी. तो रेड सी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर कोरल रीफ्स. नॉर्मली वी डोंट एसोसिएट के उसके साथ में डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे कहाँ पे कोरल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे है. एंड दे आर 5,000 to 8,000 ईयर्स ओल्ड, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है? तो दे आर हेयर ऑल्सो. बाकी ये आप देख रहे हो, इंडिया और ओशियानिक रीजन में है, सारे का सारा कोस्टल रीजन में है, ठीक है? यहाँ यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा पाया जाता है. इसको एरिया को ही बोला जाता है न्यू कैलिडोनिया एरिया, ठीक है ना? वहां पे बहुत ज्यादा रीफ्स पाए जाते हैं. और आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी है, मलेशिया है आपका, फिलिपाइंस है, ये वाला एरिया सारे का सारा, तो दे आर नोन फॉर देयर बीचेस, है ना? आपने देखो होगा इंडोनेशिया के लोग आई थिंक बाली में जाते हैं ना, बाली में जाते हैं बहुत सारे प्रिस्टीन बीचेस को देखने के लिए, वहां पे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा है, इसी के लिए जाते हैं. तो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कोरल रीफ्स के लिए है वहां पे इको टूरिज्म. बड़ी ये एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होता है इको टूरिज्म के कारण, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? चले आगे. नाउ Another important area is this area, Greater Caribbean region. तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला West Indies वाला जो area है हमारे पास, Greater Caribbean region, Gulf of Florida, Florida के साथ में, ये देखो साथ में, Gulf of, not Florida, Gulf of Mexico.
बेटा कोई असेस कर रहा है, एवरीवन अब मेरी बात सुन रही है बेटा? ओके ओके गुड 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 गुड। तो ग्रेटर कैरिबियन रीजन जो है यहाँ पे पाया जाता है मेनली, ठीक है, आपके कोरल रीफ्स। ओके नाउ वी हैव डन डिस्कस द इम्पोर्टेंट पार्ट दिस आल्सो। ओके we have done distribution also, we have done this also, what are the different types of coral reefs now? Coral reef teen prakar ke hame jyada, aapko awaaz aa rahi hai beta sabko? Hello, awaaz aa rahi sabko? Karima, it's okay, are you hearing it? Are you, my voice is audible to you? Karima, Karima, hello, ek bar दोबारा जी ज्वाइन करके देखना। ओके नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स की वैसे तो पांच प्रकार होते हैं, लेकिन हमें ही तीन ही प्रकार याद करने हैं, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड इज बैरियर रीफ एंड थर्ड इज अटोल। अटोल, ठीक है, ये तीन ही आपको याद करनी है, ठीक है जी। तो लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ दैट। ओके स्टार्ट, या ओके, तो ये देख पा रहे हो आप, देखो ध्यान से, फ्रिंजिंग बैरियर अटोल्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, देखो ये पहाड़ है, यानी कोई आइलैंड होगा, है ना, आइलैंड के साथ साथ में, जो आपको बिल्कुल साथ साथ में, बिल्कुल एंड में एंड, ये दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट सा, एवरीवन, है ना। तो जो आइलैंड के साथ में जा रहा है दैट इज फ्रिंजिंग, मतलब फ्रिंज में मतलब होता है साइड में। फ्रिंज का मतलब अगर इंग्लिश में अनुवाद सोच रहे हो आप, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल साइड में, पासे पासे में, बिल्कुल साइड साइड में, पेरिफेरी में, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये पहाड़ नीचे को जा रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, ओके। जब ये पहाड़ नीचे को जा रहा है तो जो पहले फ्रिंजिंग रीफ थी वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो दिख रहा होगा, है ना। तो दैट इज ए बैरियर रीफ, जब पहाड़ पूरा नीचे गया नहीं है, आधे से ज्यादा पहाड़ चला गया नीचे ड्यू टू सबसाइडेंस, ठीक है, और उसके साथ जो सराउंडिंग एरियाज हैं तो वो ऊपर उभर रहे हैं। ये क्यों ऊपर उभर रहे हैं? ये ऊपर इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे ये सारे किसके ऊपर बन रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर भी बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इनकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि ये पानी के ऊपर चले गए, ठीक है, मेक सेंस। ये सारा कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके जब ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो ये अटोल बन जाएगा, इसको बोलते हैं अटोल। जब पानी बिल्कुल नीचे चला गया, साथ में ये सिर्फ आपको सर्कल दिखेगा ऊपर, पहले तो ये पहाड़ भी दिख रहा था छोटा छोटा सा, अब सिर्फ पहाड़ नहीं, सिर्फ ये दिखेगा, तो ये रीफ बन गया है, ये बन जाता अटोल। जो अटोल के अंदर है ये भी यहां बैरी रीफ के अंदर ये वाला एरिया, लेट मी ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर, this one area, this will become what, lagoon, okay, why it will become lagoon, yaar lagoon ki jab humne definition padhi thi ki wave yahan pe rok deti hai aur andar jo area develop hota hai reef ke andar area develop hota hai wo hai lagoon area, samajh rahe ho, humne kerala ke kayals aur lagoons padh ke backwaters padh ke aaye the, usme bhi humne bola tha ye sea hai, idhar sea hai sare ka sara, ठीक है, ये कोस्ट लाइन है और इसके साथ में जो आ रही है नदी बहती हुई, ठीक है ना, समझ लो इन दोनों के बीच में, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये लैगून सा एरिया बन जाता है, ठीक है, लैगून इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और रीफ्स आर डिफरेंट थिंग, मेक सेंस। मैं आपको फोटो दिखाता हूं तब आपको अच्छा समझ लगेगा, अभी तक थोड़ा थोड़ा समय लगना शुरू हुआ वैसे। अब ये देखो हमने तीन तीर के बनाए, फ्रिंजिंग बैरियर एंड अटोल, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, ये पहाड़ है, पहाड़ के बिल्कुल साइड से जहां से पानी आ रहा है, जहां से हाई टाइड लाइन है, लो टाइड लाइन है सॉरी, जहां तक पानी आ रहा है लहरों का, वहां पे डेवलप होना शुरू होते हैं पहले, ठीक है। फिर जैसे जैसे पहाड़ नीचे जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो एक बैरियर बन रहा है, मेक सेंस, समझ रहे, ये बैरियर रीफ है, ये पहाड़ बन रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये पहाड़ नीचे चला गया, ये देखो ये पहाड़ नीचे चला गया है,
तो इसके दोनों तरफ क्या बन रहे हैं, रीफ्स बन रहे हैं, पर इसको बोला क्या जाता है, सर्कुलर रिंग को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं उसको, मेक सेंस, अटोर। ओके, दिस विल मेक यू क्लियर। ओके, ये देखो, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोर, बीच में क्या लग, मेक सेंस, सबका क्लियर हुआ कि नहीं समझ, और क्लियर करना है तो ये देख लो। वोल्केनो था सबसे पहले, वोल्केनो से सब, अब आपको सर ने करवाई होगा किस तरह से आपके जो लैंड के फीचर्स बनते हैं, कोई सबसाइडेंस होती है, कोई अपलिफ्टमेंट होती है, कई बार क्या होता है कि वोल्केनो जो अंदर से वोल्केनो है, ओशन से बाहर वोल्केनो बन जाते हैं, तो वो वोल्केनिक आइलैंड्स बना देते हैं, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स धीरे 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 बाद में क्या होता है, सी लेवल राइज होने के कारण वो नीचे चले जाते हैं, है ना। उसी प्रकार ये एक्टिव वॉल्केनो है, उसके बाद साथ में बिल्कुल साइड में क्या बन गई उसकी, फ्रिंजिंग रीफ। जब थोड़ा टाइम और पास हुआ तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, सबसाइड करना शुरू हो गया, तो क्या बना दिया, बैरियर रीफ बन जाएगी। बैरियर के बाद क्या बन जाएगा, जब टोटली सबमर्ज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अटोल। मेक सेंस, चलिए। सो वी हैव डन दिस। दो और तरह की रीफ्स भी होती हैं, पैच रीफ्स एंड बैंक रीफ्स, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन हम पहले ये एक बात देख लो, इसमें से कोई लाइन समझ ना आ रही हो, शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स, कोरल पॉलिप्स, जेलीफिश और एनीमोन के ये भाई होते हैं, पॉलिप्स है ना, ट्यूबुलर स्केलेटन्स होते हैं उनके, कोरल रीफ्स, कौन से लैंड फॉर्म बनाती हैं, ठीक है, मेक सेंस, ऑल दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आगे चलते हैं फिर, ये देखिए, ठीक है, तो तीन तरह के रीफ होते हैं, हमने बोला था, यही बताया था, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं, ठीक है, लेगून बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ की। फ्रिंजिंग रीफ हमें पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिया में जितनी भी आती हैं रीफ्स, दे आर फ्रिंजिंग रीफ्स, वेदर दे आर इन लक्षद्वीप आइलैंड्स, वेदर दे आर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। तो ये जो रीफ्स हमारे पास है, आपको दिख रही है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये रीफ है, समझ रहे हो, ये ओशन वाटर है, ओशन वाटर है हर जगह पे, लेकिन एक बाउंड्री सी बन गई है इसके अराउंड, है ना, और उस पे क्लियर वाटर है बिल्कुल। अगर आप देखोगे सी वाटर इज डिफरेंट कलर, ब्लूइश कलर, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये ट्रांसपेरेंट कलर का वाटर होगा, तो समझ रहे हो, सैलिनिटी में कोई अंतर नहीं आया है, सैलिनिटी वही है कि पानी वही आ रहा है, ठीक है, बट क्या अंतर आ गया, ये वाटर ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर वाटर मीन्स मच मोर नॉट फ्रेश वाटर, मुस्कान, फ्रेश वाटर इज एक्चुअली ये एक ऐसा चीज है जहां पे फ्रेश वाटर इज हानिकारक किसके लिए, ठीक है ना, तो इनको सी वाटर बहुत चाहिए होता है, तो सी वाटर वही है, डेंसिटी वही है जितनी यहाँ पे है, सॉरी सैलिनिटी वही है जितनी यहाँ पे है, ओशन में उतनी है, बट पंगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये बैरियर बन चुका है, एक दीवार सी बना दी गई है, नेचुरल बैरियर बन चुका है, तो अंदर वाला वाटर ज्यादा क्लियर होगा, शैलो है ना, अगर आप पानी को शैलो वेयर में लेके जाओगे तो आपको ब्लू नहीं, आपको वो साफ ही दिखेगा, ठीक है ना, तो शैलो प्रिस्टीन है ये, ठीक है। और ये वाला एरिया है, ये प्रोटेक्टेड शोर लाइन है, ये मतलब स्पॉनिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए मच्छियों के, है ना, और जो प्रजाति हैं उनके लिए एक सेफ हार्बर है, ठीक है, मेक सेंस, ओके, गुड, चले आगे, आगे चलते हैं फिर, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, एडजस्टेंट टू द लैंड विद लिटिल और नो सेपरेशन फ्रॉम द शोर, ठीक है, दे डेवलप अपवर्ड्स ग्रोइंग ऑफ द रीफ फॉर्मिंग कोरल्स ऑन द एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होनी चाहिए, ठीक है, तो ये अंदर वाला एरिया क्या बन जाता है, बाद में लगून बन जाता है, समझ रहे हो, ओके, फ्रिंजिंग रीफ का कंसेप्ट समझ लग गया। नाउ व्हाट इज सेकेंड पार्ट, इज व्हाट इज
बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ्स में क्या होगा, अब ये ज्यादा बढ़ जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देख रहे हो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, प्रॉपर फेंस बन जाता है। तो ये रीफ बन गई, ग्रेट बैरियर रीफ, ये लैंड है और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक वाटर बॉडी बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लैगून। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं करीबा, अभी हमने बात ही डिस्कस की है कि भाई फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है और बैरियर रीफ्स क्या होती हैं। ओके, तो हमने यही बात कही है अभी तक कि जो बैरियर रीफ्स होती हैं, सॉरी फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं, ये एक तरह से जो ओशन वाटर है और जो सी जो इनका वाटर है, क्या कहते हैं, बैरियर रीफ्स का, फ्रिंजिंग रीफ्स का, ये दोनों में अंतर यही है कि सैलिनिटी दोनों में सेम है, बट क्या अंतर है कि ये वाटर ज्यादा क्लियर है। Why it is more clear? Because यहाँ पे corals हैं। अगर एक यहाँ पे corals हैं तो वो photosynthesis करेंगे। More photosynthesis, more much more clearer water will be there. There will be need for clearer water. तो यहाँ पे shallow water होने के कारण और shallow shelf होने के कारण ये आपको clear दिखाई देता है। Otherwise salinity का कोई अंतर नहीं। ठीक है? Good. Mostly India की जो reefs होती हैं वो बैरियर रीफ्स होती हैं, सॉरी फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम बैरियर रीफ्स के बारे में। बैरियर रीफ्स के बारे में बता दिया आपको, और गहरा हो रहा है, जो ऊंचाई है वो कम हो रही है और अब पानी यहाँ पे साइड में इकट्ठा हो रहा है। अब देखो यहाँ यहाँ पे पौधे उगने शुरू हो रहे हैं बिल्कुल फ्रिंज एंड में। ठीक है ना, तो आपको यही दिखाया मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, ये रीफ है, बैरियर रीफ है। ठीक है, दिस इज ए लगून एरिया और बीच में इधर लैंड है और उन दोनों के बीच में लगून। हाँ जी मनीष बोलिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई गई है? 1200 माइल लॉन्ग है लॉन्ग बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ द रीफ। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अटोल। यस, ये दिख रहा है आपको अटोल, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अब वो पहाड़ इसके नीचे जा चुका है और पानी का ये अंदर क्या बचा है, लैगून एरिया। ठीक है, गुड, लार्ज रिंग शेप्ड रीफ्स सराउंडेड बाय सेंट्रल लैगून। ठीक है, फाउंड वेल अवे फ्रॉम लार्ज लैंड मासेस सच एज इन साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक एरिया जहां पे है, जहां पे आपका है, ये क्या कहते हैं, नाउरू है, पपुआ न्यू गिनिया, न्यू कैलिडोनिया है ना, ये वाले एरियाज है ना, ये बहुत दूर हैं। अगर आप देखो कोई भी लैंड मास, नियर बाय लैंड मास इनके पास कोई अच्छा है नहीं, और ये सारे पैसिफिक और ओशन से सराउंडेड है। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन से, तो वहां पे अटोल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में भी पाए जाते हैं अटोल्स, माइंड यू इंडिया में भी अटोल्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कई जगह पे पाए जाते हैं। तो लगून सॉरी ये अटोल्स हैं, इसके बारे में आपको बता दिए, किसी तरह के भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, होर्सशू शेप भी हो सकते हैं, तो दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ रीफ्स। ओके गुड, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल, सबको आवाज नहीं दे रही है, बताइए ये क्या एग्जाम्पल है, बताइए इसकी क्या, ये किसकी एग्जाम्पल है, इज इट अ टोल और इज इट ए बैरियर रीफ और इज इट ए फ्रिंजिंग रीफ, इट इज एन अटोल। गुड, ठीक है, टोल्स के बारे में पढ़ लेना, कोई क्या टू टोल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सबमर्ज आइलैंड्स को ये दर्शाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में मोस्टली पाए जाते हैं, फिजी में टोल्स बहुत पाए जाते हैं, ये पैसिफिक की तरफ है। ठीक है, ये समय लग ही रहा होगा आपको कि नीचे चला गया, और ये सारे का सारा क्या है, ये कोरल्स है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुए होंगे ना। ठीक है, पर ये मरते गए और ये इतना बड़ा इन्होंने लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, गुड,
चलो ये तो सारा समय लग गया, तो यू हैव ऑल्सो अंडर। ये पैची रीव्स क्या होते हैं, ये इस तरह से रीव्स होते हैं, ठीक है ना। लैगून के अंदर भी आपके पास रीव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। कि हो सकता है कि भाई पानी इतना ज्यादा शैलो हो लैगून में कि वहां पे इंडिविजुअल इस तरह से आपको रीव्स दिखने शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं पैची रीव्स। यू डोंट नीड टू नो कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं होते, ठीक है। दूसरे एक और होते हैं बैंक रीव्स, ठीक है ना। रीफ जिनका अपने लागे वाले लैंडमार्क से कोई संदर्भ नहीं है, ठीक है। ये अपने आप यहाँ पे पैदा हो रखे हैं, देखो यहाँ पे शैलो वाटर था, ये अपने आप पैदा हो रखे हैं। नॉर्मली हमने देखे हैं तीनों प्रकार के रीफ, चाहे वो अटोल हो, चाहे वो फ्रिंजिंग रीफ हो, चाहे वो बैरियर अटोल बैरियर रीफ्स हो, उनके लिए एक लैंडमार्क चाहिए होता है, बेसिक आधारशिला चाहिए होती है। लेकिन जिनको नहीं चाहिए होती है उनको हम बोलते हैं बैंक रीफ्स, दैट्स ऑल, ठीक है। डन। नाउ एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि इनके अंदर का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ये तो हमने बात कर ली है ना, जैसे नॉर्मली ये आ गया लैंड मास है ना, ये आ गया आपका रीफ बैरियर रीफ है ना, ये पीछे वाला हो गया, इसको बोलते हैं बैक रीफ। आगे वाले को बोलते हैं फोर रीफ, इसको बोलते हैं फोर रीफ। फोर मतलब आगे, जैसे फोर हेड होता है ना आगे वाला, फोर रीफ इसको बोलते हैं, ठीक है। जहां ये पानी से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट एंड ट्रफ पढ़े थे ना हमने, क्या बोलते हैं, बैरियर क्रेस्ट, जो पानी से बाहर आ रहा है अलग से, ठीक है, पत्थर सा दिख रहा है आपको। देखिए ये पानी के इस तरफ की तरफ, जब ये एक लैंड है और ये है आपका बैरियर है, सी की तरफ ये बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना, समझ रहे हो। इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि ये लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पानी से ज्यादा प्यार है, तो किस तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहा होगा लोअर फेस अपर फेस, ये देख रहा हो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन, चले आगे, ये समझ आ रहा है बात, ये देखो, ठीक है। दिस इज योर बैरियर रीफ, यहाँ, ठीक है ना। रीफ क्रेस्ट का क्या मतलब हो गया, जो जो पानी से बाहर एरिया आ रहा है उसको हम रीफ क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। रीफ स्लोप हो गया, रीफ क्रेस्ट हो गया। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर ताकि आपका क्लियर हो। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये बीच है जहां पे आप जाते हो, गोवा के बीचेस में वहां पे जाते हो ना, तो उसके आगे जब जाओगे ना तो आपको एक क्रेस्ट दिखेगी। लेट मी शो यू व्हाट इज ए क्रेस्ट। ये दिख रहा है बाहर एरिया, एक क्रेस्ट है जहां पे आपको हरी हरी दिख रही है ना, ये हरे हरे दिखने नहीं चाहिए थे, बट ये क्रेस्ट है, बाहर निकल आए हैं, इसके ऊपर अब क्या कहते हैं, हरी घास उगाई है या पेड़ पौधे उगाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि पानी के बाहर रहा, पानी के बाहर आकर तो कोरल मर जाएगा, जब वो मर जाएगा, लेकिन है तो कैल्शियम ना, सारे मौजूद है वहां पे चीजें, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा और उसके कारण ये बाहर निकल आएगा। दिख रहा है आपको छोटा छोटा रफ, ठीक है, गुड, मेक सेंस। वेयर इट, यहां पे कहां पे क्रेस्ट है बताओ, दिख रहा है ये क्रेस्ट बाहर को निकला हुआ, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ठीक है, ओके। Now it's clear, जो पानी से बाहर निकला हुआ एरिया, that is crest। चलिए जी, चलिए। उसके आगे वाला क्या है? Foreground। उसका पीछे वाला क्या है? Back reef। Okay? ठीक है? और इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, तो इस तरफ जाएगा, टुवार्ड्स दी लैंड, सॉरी, ये टुवार्ड्स दी लैंड जाने की कोशिश करेगा, गॉड के सी की तरफ है ना। पर यहां जहां पे क्रेस्ट है वहां पे रुक जाएगा, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा फिर, ठीक है। जहां पे क्रेस्ट अचीव हो गया बस उतना ही, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है, क्रेस्ट, ओपन सी, बैक रीफ, ठीक है। चलो, तो वी हैव डिस्कस्ड, ये अटोल है पीछे, अगर इसके अटोल है, ये अटोल नहीं है, इधर है इसके पीछे, अटोल हमेशा उसके पीछे होगा, आगे नहीं होगा, रीफ क्रेस्ट है ना उसके,
बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे, व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट आर, अब नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ, व्हाट आर डिफरेंट थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स। सो व्हाट यू थिंक आर द थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स, जो हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल वही सारे के सारे थ्रेट्स हैं, कोई नई बात नहीं करनी हमने, ठीक है। लेट मी शो यू, रीफ्स इन इंडिया वी हैव डिस्कस्ड कहां कहां पे होती है, गल्फ ऑफ मन्नार, पॉक बे, अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ, आइलैंड लक्षद्वीप में होती हैं, ठीक है, यहाँ पे अटोल्स होते हैं, अदर्स आर ऑल फ्रिंचिंग रीफ्स, ठीक है, ये याद रखना, ओके। लक्षद्वीप में केवल आपके पास अटोल्स पाए जाएंगे, ठीक है, अदर्स आर ऑल फ्रिंचिंग रीफ्स। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट है ना इंपॉर्टेंस क्या क्या कोरल रीफ्स की, क्योंकि यहाँ पे वेव एक्शन ज्यादा होता है तो इट विल प्रिवेंट सेडिमेंटेशन नंबर वन, ठीक है, सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, एंड शोर लाइन को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट द शोर लाइन फॉर फ्रॉम कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि अगर लहरें आती रहेंगी आइलैंड के पास तो उसकी मिट्टी जाती रहेगी और धीरे 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 करके वो खत्म होता रहेगा, बट क्योंकि ये वाटर को क्या कहते हैं अपना सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स को नहीं लेके आते हैं या उसको अंदर नहीं आने देते वेव्स को, इसके कारणवश इनकी जो शोर लाइन है वो प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। फिजिकल बैरियर क्रिएट्स हेल्दियर प्रोटेक्टेड कोस्ट हैबिटेट्स, ठीक है, मेक सेंस, ये देख लो। नाउ आपको क्यों लगता है, यू नो yesterday I was thinking, मैं कहा चलो देखें कितने आते थे, 2000 से पहले ना 2 या 4 क्वेश्चन आते थे, I have this data with you, I will share with you, 2 या 4 क्वेश्चन आते थे environment, you know after 2004 what happened, there was drastically change in you know UPSC thinking, 2 या 3 क्वेश्चन आते थे environment से, वो भी धो के कोई भी इसको ध्यान नहीं देता था environment को ज्यादा। After 2000, what happened? There was a tsunami, है ना? Tsunami के बाद जब हमने analyze किया 2 या 4 सालों में देखा कि but क्या हुआ? क्यों कुछ reasons जहाँ पे mangroves develop थे, जहाँ पे coral reefs थे, वहाँ पे बहुत कम असर हुआ है किसका? लहरों का, उस tsunami का। As compared to those areas which were coastal zone पे थे और जो जहाँ पे जिनके पास reefs नहीं थे, जिनके पास mangroves नहीं थे, जिनके पास natural habitat नहीं था, okay? तो तब उनके पास ये question आने start होते हैं। 2010 के बाद तो भाई कम से कम आप देख लो पीछे से average चलती है 25 से 30 environment से, okay? बस UPSC ने क्या चेंज किया 10 सालों में कि ज्योग्राफी वाला पार्ट डालते हैं बीच में ताकि आपसे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा चेक हो जाए कि भैया सीरियस है क्या नहीं बनता पढ़ने के लिए। तो जैसे नेशनल पार्क डाल दिया तो भैया जी कौन सी नदी पर वहां से गुजरती है, कौन सा जानवर है, कौन सी उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, डू यू नो व्हाट इज WPA, डू यू नो व्हाट IUCN, ये चीजें बीच बीच में डाल देते हैं, ठीक है ना। करेक्टर चेंज हुआ है बेसिकली क्वेश्चंस दे आर आस्किंग वन एंड द सेम, ठीक है ना। कोरल रीफ्स आगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं क्या है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई विल आस्क यू टुमारो, ओके, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसमें। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, चले आगे, कैसे इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, गुड, चलो आगे चलते हैं, और क्या है फिर, सिक्वेस्टर CO2, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या कहा इसका, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, इको टूरिज्म लिख लोगे इसके बारे में, इको टूरिज्म के बारे में, ठीक है, इको टूरिज्म, हार्वेस्टेड फॉर मेडिकल ज्वेलरी, ये तो पता ही, सीपियां होती हैं, आपने देखा होगा मोती जिनसे बनते हैं ना, तो वो मोती का हार बड़ा डालने का शौक होता लोगों को, तो वो यहाँ से बनती है, सीपियां का वो बनाते हैं
जो वो क्या बनाते हैं, नाइट का कवर भी बनाते हैं आई थिंक, कुछ पर्ल्स का है ना, बहुत कुछ बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज बड़ी इनकी हाई होती है, ये आपको पता ही है, ये बात नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। क्रिटिकल हैबिटेट एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस दे आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है टूरिज्म के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज आएगा उससे, एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू फिशरीज। नॉर्मली फिशरमैन फिशरमैन कौन से होते हैं, दे बिलोंग टू लोअर कास्ट, ओके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर मोस्टली दैट पीपल, है ना, तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, जो लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बंदे होते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलती है फिशरीज से, ओके, मेक सेंस। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स, द ग्रेटेस्ट थ्रेट इज ऑलवेज टू, तो कौन से, वाटर टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर एंड ओशन एसिडिफिकेशन। अभी ये मैंने दोनों करवा दिए आपको, ठीक है ना, वाटर एसिडिफिकेशन 26 से 27 से अगर आप 30-35 कर दोगे टेम्परेचर या 30-32 कर दोगे टेम्परेचर, दैट इज हायर, तो ये अपने आप ब्लीच होना शुरू हो जाएंगे। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, है ना। ओशन एसिडिफिकेशन किस तरह अफेक्ट करती है वो भी हमने बात कही है ना। इनके अलावा और क्या चीजें हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, ओवर फिशिंग है, दिख रहा है आपको, सॉरी सॉरी, जैसे पोल्यूशन दिख रहा होगा आपको, या ओवर फिशिंग दिख रही है, या डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस है, डायनामाइट से या सायानाइट से यूज करते हुए उनको फिशिंग करते हैं, दे आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कोरल रीफ्स इन इंडिया या ओवरऑल। इसके अलावा यहाँ पे दी गई है इन्वेसिव स्पीसीज। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, नाउ दैट इज योर होमवर्क, फाइंड व्हाट इज the invasive alien species that affects coral reefs in India overall, कौन सी species है जो affect करती हैं। एक species का नाम आएगा star, okay, star fish करके, I want you to go through that also, okay? और क्या हो सकता है pollution का कारण, oil spill हो सकती है, क्योंकि mostly जो coral reefs होती है कहाँ पे oil offshore oil rigs होती हैं उनके पास में होती हैं, तो अगर oil spill कर जाता है, oil बाहर गिर जाता है, तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। गुड, चले आगे। व्हाट एल्स, या कोरल रीफ्स क्या क्या चाहिए इनको सरवाइव करने के लिए, बता चुका हूं। 50 मीटर्स तक का वाटर कम से कम होना चाहिए, 165 आप बोलो सर क्या ही एवरेज डेप्थ होती है, ठीक है, एवरेज डेप्थ, ओके, जब मैं आपको रेंज देता हूं 80 से 230 या 240, उसकी एवरेज निकालो तो वही आती है 160 कह रहा हूँ, है ना, तो 160 इज द एवरेज फीट यहाँ पे होनी चाहिए नॉर्मल। क्लियर वाटर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए आपको पता है, वार्म वाटर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी पता है। अब यहाँ पे देखो 20 से 32 लिखा हुआ, अब लो सर आपने तो 25 से 26 लिखाया था, 26 लिखाया था एवरेज की बात करो, ठीक है। क्लीन वाटर होना चाहिए, साल्ट वाटर, ठीक है ना, corals need salt water to survive and require clear certain balance in the ratio salt water to water, है ना, so that is why they don't form near estuaries, हम बात करके आ चुके हैं already, है ना, so we have done most of the things, what else remains is now what should be done to conserve the coral reefs। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आपका mains का question अगर आता है तब आपने लिखा। सबसे पहले मैपिंग करोगे, ये याद कर लो, मोटी मोटी बातें अगर आपको कुछ ना समझ लगे तो ये हर आप में चिपकाना है। अगर मैं कोरल रीफ्स की बात कर रहा हूँ तो मैप द कोरल रीफ्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की तो मैंग्रोव को मैप करो, ठीक है, एंड कंडक्ट स्ट्रेटेजिक सर्च, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक में चिप मार सकते हो आप, ठीक है, मोटा मोटा लिखना है सब में लिख सकते हो। असेस एंड मॉनिटर रीफ हेल्थ, ठीक है ना, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए पता है आपको, क्योंकि इंडिकेटर स्पीसीज है, अगर ये कोरल ब्लीचिंग हो रही है वहां पे तो क्या होगा कि भैया जी वहां पे व्हाइट व्हाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी, कोरल जो पूरे का पूरा वहां पे हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके कारण फिशरीज जहाँ फिशरमैन है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो यू नो असेस करो एंड मॉनिटर करो, पहले मैप करो फिर असेस करो, पहले असेस करो मॉनिटर करो देन मैप करो, इतने इतने यहाँ यहाँ पे है इस एरिया में है, फिर यहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड जोन बनाना है, ठीक है। रिड्यूस ग्लोबल थ्रेट्स टू कोरल रीफ सच एज पॉपुलेशन प्रेशर्स, लॉस ऑफ मैनग्रोव्स, ये सारा कोरल ब्लीचिंग,
डिस्ट्रक्टिव नेटफिश नेट प्रैक्टिसेस आप इसमें क्या कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव नेट प्रैक्टिसेस, क्योंकि ना ये बॉटम ट्रॉलिंग आती है, मैं क्या कहता हूँ, जो मछुआरे होते हैं ना वो कुछ मशीन से इस तरह से फेंकते हैं जाल की वो नीचे से लेके आती है ऊपर की तरफ, जो जमीन है ना क्योंकि शैलो वाटर्स में होती है तो जमीन से ऊपर लेके आती है, तो ये अपने साथ साथ कोरल रीफ्स को भी ले आती है काफी, ठीक है ना, मच्छियां तो लानी लानी कोरल रीफ्स चले जाते हैं, और कोरल रीफ्स जब चले गए तो वो एरिया खत्म हो जाएगा, फिर वहां पे इतनी जल्दी कोरल रीफ्स नहीं उगते, ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है, चले आगे। तो ये चीजें हैं, यू कैन प्रिवेंट, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते डिस्ट्रक्शन को, बाय एजुकेटिंग, बाय इंप्लीमेंटिंग लॉ कि भैया आपको बॉटम ट्रॉलिंग नहीं करनी है, आपको नेट्स यूज नहीं करने, आप ऊपर ऊपर से उठाओ जितना उठा सकते हो मच्छियों को, नीचे से जाला लेके नहीं आना है, दिस यू कैन एजुकेट यू, दिस यू कैन मेक लॉ, ठीक है ना। लॉस ऑफ मैनग्रोव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भैया, याद है हमने कल कितना कुछ किया था, लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, कौन सा था वो, बीबी बे ऑफ बंगाल लार्ज मैनग्रोव है ना, कुछ करके पढ़ा था ना, लार्ज मैनग्रोव है ना, बी बी ओ बी एल एम ई, वेरी गुड सिमरन, कैन यू एट दैट पॉइंट हियर, मेक सेंस है ना, ओके, पॉपुलेशन प्रेशर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम में, एडवोकेट फॉर एस्टैब्लिशिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियास, या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क की तरह होता है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, मेक सेंस, तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे पास ऑलरेडी, ट्राई टू फाइंड, आज नेट पे जाओ, दिस इज योर सेकंड होमवर्क, ट्राई टू फाइंड अपॉन व्हाट आर द मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, व्हाट इज देयर प्रोटेक्शन लेवल, क्या प्रोटेक्शन लेवल होता है, ठीक है, कौन वहां पे लॉ बना सकता है, कौन लॉ नहीं बना सकता, ये पता करना, दिस इज योर सेकंड होमवर्क, ओके। कंपेन अगेंस्ट सी फूड कॉट इन वेज दैट हार्म कोरल इकोसिस्टम, तो कंपेन भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये आपके पास सारे मैं लिख रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, इफ यू आप यूपीएससी में अगर कोई पूछ लेता है आपको भी इसका रीजन बताओ, हर कुछ मैप करो, असेस करो, मॉनिटर करो, रिड्यूस करो, एडवोकेट करो, ये चीजें हर जगह पे आपको करनी करनी है, ये वर्ड याद करने है, एडवोकेट रिड्यूस Assess, ठीक है, मैपिंग, ओके, कैंपेन अगेंस्ट, ठीक है, ये सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हो आप अपनी तरफ से, अगर आपको पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज व्हाट शुड बी डन, यू कैन ऑफर योर सॉल्यूशंस लाइक दिस, ओके, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द गवर्नमेंट टेक ऑन दैट, ठीक है ना, तो हम वो भी बात करेंगे, रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड, ये भी कर सकते हैं, कोरल रीफ में ग्लोबल ट्रेड जो के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिपियां होगी, जैसे कि मोती हो गए, उनमें कम कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द लोकल कम्युनिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड रिड्यूस एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो लोकल मैंने आपको बोला था कुछ ना समझ आए, लोकल पार्टिसिपेशन डाल दो, रिड्यूस कर दो, उनका ग्लोबल ट्रेड कम कर दो, ठीक है, इको टूरिज्म को रेगुलेट कर दो, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन लेके आओ, ये सारी कॉमन ही चल रही है, ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके दिमाग में एक बार करे तो बहुत है, ठीक है, ये सारा कुछ रिड्यूस करो, रिड्यूस डैमेज, इंप्रूव गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, ये नॉर्मल चलता ही चल, ठीक है, ये तो आप आंसर में लिखना है, अब जहां पे आपको नंबर मिलेंगे वो है इन चीजों में, व्हाट स्टेप्स आर टेकन इन इंडिया टू कंजर्व कोरल रीफ्स बाय द गवर्नमेंट, तो सबसे पहले गवर्नमेंट लेके आई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपको पता होना चाहिए, दैट प्रोहिबिट द यूज ऑफ कोरल्स एंड सैंड्स फ्रॉम बीचेस एंड कोस्टल वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पसेस, है ना, सेकंड इसी के अंदर इन्होंने कोस्टल रेगुलेटरी जोन लेके आए थे, नोटिफिकेशन निकाली थी सबसे पहले 1991 में, ठीक है जी, वो लेके आए हैं, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ओके, अभी ये क्यों लिखा गया और क्या है ये मैं अभी बता रहा हूँ अभी के लिए, और काफी लोगों को मैंने बोला भी था इसके बारे में पढ़ने के लिए, काफी बच्चों ने मेरे को नोट्स भी बना के दिए, दैट्स वेरी गुड, अब उनको जल्दी समय लग जाएगा, बाकी बेचारे देखेंगे। अच्छा, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, ये देखो MPAN, ठीक है, गुल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज
biosphere reserves, while Gulf of Kutch, Gujarat mein, and Mahatma Gandhi National Marine National Park, Andaman mein, Rani Jhansi Marine National Park, Andaman mein, had declared marine national parks. Now you should know what is the difference between marine protected area network and what is the difference between marine national products. Go and search. This is your homework. Ye already de chuka main aapko, theek hai? तो ये आपका प्रोटेक्शन है. लेट अस डिस्कस नाउ, बस थोड़ा सा और रहोगे, 10-15 मिनट की क्लास है और, क्योंकि फिर भी काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा है. लेट मी डिस्कस व्हाट इज कोस्टल रेगुलेटरी जोन. ठीक है, वैसे मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने होमवर्क दिया होता है, जिन्होंने किया होगा उनको समय लग गया होगा. ठीक है, फिर भी मैं मोटा मोटा करा देता हूँ. ये है, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये लिया मैंने DTE से, डाउन टू अर्थ से. ठीक है, डाउन टू अर्थ ये बहुत बड़ी है, ये मतलब आया था तब, ये बहुत 2018 की नोटिफिकेशन आई थी उसको, तब उन्होंने एक एनालिसिस बनाया था. उन्होंने कहा कि भाई 1991 से काम शुरू हो रखा है ये वाला. ठीक है ना, 1991 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि भैया जी ये नोटिफिकेशन किसके लिए लगेगी, जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो डेवलपमेंट होती है उनके ऊपर लगेगी. ठीक है जी, ठीक है. धीरे धीरे डाइल्यूशन होती रही, कमेटियां बैठाती रही गवर्नमेंट, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए कि 2011 और 2018 के बीच में क्या क्या अंतर आ चुका है. लेट मी डिस्क्राइब यू इन वेरी कॉमन वे. याद क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ना चार जोन बनाए, चार. ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर ही. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जी फर्स्ट होगा एरिया, ठीक है ना, सॉरी दैट इज CRZ 1. ठीक है, फिर बनाया उन्होंने CRZ 2, बनाया उन्होंने CRZ 3, फिर साथ साथ में लिखना आप सबने, फिर बनाया उन्होंने CRZ 4. ठीक है, जो CR1 है ना भैया, उसमें उन्होंने एरिया इंक्लूड किया, एरिया दैट आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन्स, ESZ मैंने लिख दिया. ठीक है, जैसे कि सच एज आपका नेशनल पार्क आ गया कोई, ठीक है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया आ गया कोई, ठीक है, उसमें अगर आपका रिजर्व फॉरेस्ट आ गया कोई, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट आ गया कोई, ओके, और क्या आ गया, मैनग्रोव आ गया, कोई कोरल रीफ्स आ गया, ये सारा एरिया आ गया नंबर एक पे. ठीक है, ठीक है, कोरल रीफ्स 2 में क्या आता है, दिख रहा है ना, हेलो बच्चों, दिख रहा है ना कि नहीं दिखा, नॉट विजिबल, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, अभी मैं टाइप कर रहा हूं ना, अभी आप भी टाइप करते रहो साथ साथ में. ठीक है, CRZ 2 में क्या आता है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन 2 में क्या क्या आता है, एरियाज, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन. ठीक है, इसमें आते हैं जो कि आपके बड़े बड़े जिनको सी व्यू फेसिंग या सी फेसिंग अपार्टमेंट्स नहीं देखते, अर्बन सेंटर, सारे के सारे अर्बन सेंटर जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, अर्बन सेंटर्स जहां पे अच्छे से आपका क्या कहते हैं, सीवरेज भी बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद आपके पास वाटर की सुविधा भी है. ठीक है, मल्टीपल स्टोरीज भी हैं. ठीक है, ये वाला एरियाज मल्टीपल स्टोरीज हैं. ठीक है ना, वहां पे, ठीक है, जिनको सी फेसिंग है, जैसे बांद्रा हो गया है ना, तो बिल्कुल सामने सी में दिखता है, सी फेसिंग, जो बोलते बड़े बड़े पैसे लगते हैं उसके, है ना, दिखा होगा आपको. I will share with you. एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं सिर्फ लगा रहा हूँ. ठीक है, let me show, share with you. दिख रहा अभी? Okay.
अभी दिख रहा सबको? गुड, ठीक है। तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन थ्री में एरिया कौन कौन से आते हैं ये पढ़ लो, साथ साथ में लिख लो, ठीक है। एरियाज जो कि रूलर है, जो कि अभी रूलर है या जो अभी अनडिस्टर्ब है, जो कि एरिया वन और टू में नहीं आते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और कोस्टल रेगुलेटरी जोन फोर है एलटीएल से लेके, मैं अभी बताऊंगा ये सारा कुछ एरिया, एलटीएल से लेके 12 नॉटिकल माइल्स टुवर्ड्स द, 12 नॉटिकल माइल्स टुवर्ड्स ओशन, गुड। ये चार जोन समय लगे। पहला एरिया है जो कि जिसको गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन का नाम दिया है, ये वो वाले एरिया है जहां पे ऑलरेडी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है या कोई नेशनल पार्क है या कोई कोरल रीफ्स है या कोई मैनग्रोव्स है या कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। दिस इज योर कोस्टल जोन वन, ओके, ठीक है। कोस्टल जोन टू में क्या आते हैं अभी, जो कि डेवलप्ड एरिया जैसे बांद्रा वाला एरिया हो गया, जो बिल्कुल सी के ऊपर है, आपको सी व्यू देखने को मिलता है ना, तो वो वाले एरियाज वहां पे अच्छे से अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड हैं, आपके पास अच्छे से क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल्स होंगे, वहां पे सारा कुछ होगा, जन सुविधाएं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं ना। तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन थ्री में क्या आता है आपका, जो कि रूरल एरियाज जो कि अनडिस्टर्ब्ड है अभी, ठीक है ना, रूरल एरियाज दैट आर अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। तो जहां पे मछुआरे रहते हैं, ठीक है ना, वो वाली झुग्गियां झोपड़ियों वाले लोग हो गए, है ना, सारी झुग्गी झोपड़ी वाले ये वाले आगे लोग, कोस्टल रेगुलेटरी जोन थ्री में। कोस्टल रेगुलेटरी जोन फोर में आता है लो टाइड लाइन, अच्छा ये इंटर टाइडल एरिया भी बोला जाता है। व्हाट इज लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन, कई बच्चों को ये समय नहीं लगा होगा, लेट मी डिस्क्राइब दैट टू यू, ठीक है। लो टाइड लाइन देखो, जैसे अगर ये है सीज है, ठीक है ना, ये लहरें आ रही हैं, ये लैंड है आपकी एरिया, ठीक है ना, ये लैंड है, सपोज दिस इज लैंड, ठीक है। तो ये लहरें आके यहां तक आके वापस चले जाती है ना, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, ओके। तो ये आके यहां तक नॉर्मली सपोज ये यहां तक आ रही है, ठीक है ना, यहां से आके चले जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि मून की ग्रेविटी का इफेक्ट हमारे भी ऊपर पड़ता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड होती है, तो उसमें क्या होता है कि पानी अंदर तक आ जाता है यहां तक, ठीक है, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं जहां तक पानी मैक्सिमम आता है उसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन, ठीक है, जहां तक पानी नॉर्मली रहता है वहां को बोलते हैं लो टाइड लाइन। मेक समझ लग गया, ओके बेटा, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन का अंतर समझ लग गया, बस यही आपको इसमें बोला गया है, लेट मी शो यू, ठीक है। तो एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन और ये वाला, उसके 200 मीटर दूर तक हम वो एरिया इंक्लूड करते हैं अर्बन सेंटर्स, ठीक है जी, मेक सेंस। रूरल अनडिस्टर्ब्ड मछुआरे वाला एरिया जहां पे झुग्गियां झोपड़ियां पड़ी है, ये वाले है। कोस्टल रेगुलेटरी जोन फोर आपको समझा दिया, अच्छा उसको लो टाइड लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स टुवर्ड्स ओशन, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये हम UNCLOS पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट ये जो लो टाइड लाइन है, लेट मी शो इट बाय रेड, ये लो टाइड लाइन है यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स समुद्र तक, सपोज ये 12 नॉटिकल माइल्स है, यहां तक आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप डेवलप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मूर्ति लगाना चाहूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो लगा सकता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट इंटरनेशनल वाटर, ये आपके पर्सनल वाटर, डोमेस्टिक वाटर है, कोई यहाँ पे आपको लगाना पड़ा क्या कहते हैं कुआ खोदने, तेल का कुआ खोदने के लिए आप प्लेटफॉर्म बनाना बनाओ, इट इज योर चॉइस, आपको किसी बॉडी वर्ल्ड की बॉडी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ट्रैफिक आती है, अगर कोई मतलब यहाँ से जहाज आता है समुद्री, अगर वो 12 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो वो आपकी कोस्टल रेगुलेटरी जोन में, या अगर आप बोलो कि एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक्स जोन में आता है, तो आपका लॉ इसके ऊपर लगेगा, ठीक है? अगर ये 12 नॉटिकल माइल के दूर है तो आप लॉ यहाँ पे नहीं कर सकते जहाज, ठीक है? गुड, मेक सेंस? चले, तो ये बेसिक सा आपको मैंने बताया अभी कि भैया ये हुआ है ना, ये चीजें लेके आए थे हम, ठीक है? ये क्यों लाई गई थी? कोस्टल रेगुलेटर्स की प्रोटेक्शन के लिए लाई गई थी। अभी आपको बस 2011 और 2018 में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या है? दिस इज लो टाइड लाइन, दिख रहा है आपको? ये लाइन मेरे से गलती से बढ़ गई, ठीक है ना? ये दिख रहा है जहां से पानी नॉर्मल आता है यहां तक, ठीक है? व्हाट इज दैट? हाई टाइड लाइन, मैक्सिमम यहां तक आता है। यहां से हाई टाइड लाइन से लेके यहां तक थी 200 मीटर तक, ठीक है? 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है? समझ रहे हो क्या अंतर आया? नो डेवलपमेंट जोन 2011 में ये थी, ठीक है ना? अगर आप 1992 की नोटिफिकेशन देखते हो तो ये मेथड, ये नो डेवलपमेंट जोन 500 मीटर तक थी, 500 मीटर तक, यानी कि 500 मीटर के अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करने की किसी को भी एक्टिविटी नहीं थी, किसी को भी परमिशन नहीं थी, ठीक है? अब क्या होता गया, क्योंकि आपको मैंने ये पहले भी बताया कि कोस्टल जोन्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होती हैं। मुंबई की बात कर लो, गोवा की बात कर लो, आप जो ये कोस्टल एरियाज की बात कर लो, ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है ना? तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे डायल्यूट कर करके ये 200 मीटर तक लाई थी 2011 में, ठीक है? 2011 में ये थी, ठीक है? इसको क्या बोलते थे? उसके बाद कोस्टल जोन वन को क्या बोला गया? इको सेंसिटिव और इंटरटाइडल एरिया। समझ लग गया? इंटरटाइडल एरिया एंड इको सेंसिटिव एरिया, ये उन्होंने वन में डाला है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन में। यहाँ पे कोई भी आता है तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है? एरिया टू में कौन सा? ये देखो आप देख रहे हो, ये है एरिया टू, ये देख रहा होगा। टू में क्या? एरिया विच हैव बीन डेवलप्ड और क्लोज टू द शोर, ठीक है ना? जो कि सी व्यू के लिए यहाँ पे बड़े बड़े होटल बन चुके हैं या जो एक बार बन चुका है। इसमें क्या कहा गया कोस्टल रेगुलेटरी जोन ने 2011 में? बोला गया कि भैया जी ठीक है, जितने यहाँ पे बन चुके हैं ओके, अब नई नहीं बनेंगे। समझ रहे हो? पहली बात, कोस्टल रेगुलेटरी जोन टू में 2011 में क्या बोला गया कि भैया जी जितने बन चुके हैं, अर्बन सेंटर बन चुके हैं, फ्लैट बन चुके हैं, जितना भी उनके मोहल्ले बन चुके हैं, अब और नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? इसको बोला गया फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर आप घर बनाते हो ना अपना, जैसे हमने घर बनाया था, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना पड़ता है हमें जब भी नक्शा पास कराने जाते हो आप, ठीक है? घर का नक्शा पास होता है भैया, वो सुन रहा है कि मैं अकेले बोले आ रहा हूँ? सुन रहे हो ना बच्चों? सोते नहीं गए? हाँ, तो आपको फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जहां से नीचे से पिलर उठाते हो ना, वो आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स बन जाता है, ठीक है ना? अब ऊपर वाला माला आपने कितना आगे करके डाला, कितना पीछे करके डाला, वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। बट अभी के लिए क्या था, गवर्नमेंट ने बोला था कि जैसे कि कोई बंदा चार माले से ऊपर का घर नहीं बनाएगा, ठीक है? तो जितने भी घर यहाँ पे बने होंगे, सोचो चार माले या पांच माले से ऊपर नहीं बनाएंगे, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी बोल दिया, ठीक है? तो फोर स्पेस इंडेक्स को एक बोला गया था कि इसके ऊपर आप घर नहीं बना सकते। आपने चंडीगढ़ गए होंगे, कभी किसी बंदे ने वहां पे तीन माले से ऊपर का घर देखा? नहीं, क्योंकि वो सारा एक ही लेवल का होता है, ठीक है ना? तो ये कोस्टल रेगुलेटरी जोन है, ठीक है? तो चंडीगढ़ के जो मेन सेंटर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो चंडीगढ़ में, तीन माले से ऊपर घर में आप नहीं बना सकते, वहां भी रेगुलेटरी जोन है वहां, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे था, ठीक है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन टू में। कोस्टल रेगुलेटरी थ्री जोन में क्या था कि भैया जी आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कोस्टल रेगुलेटरी जोन टू की समझ लग गई सबको, पहले बताओ, एवरीवन अंडरस्टूड ना बेसिक कंसेप्ट? ठीक है, तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन 2011 में ये बोला गया कि भाई जितना आपका माला बन चुका है बस वही बनाओगे, आप कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर स्पेस एरिया का वायलेशन आप नहीं कर सकते हो, अगर तीन माले हैं या चार माले हैं उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? गुड, ठीक है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो इस तरफ नहीं आ सकते आप, सी की तरफ नहीं बना सकते, सोचो मैं यहाँ पे बना लूं या यहाँ पे बना लूं या यहाँ पे बना लूं, ना।
अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो इस तरफ लैंड की तरफ बनाओ, आप इस तरफ नहीं बना सकते। मेकिंग सेंस? ठीक है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन 2011 में ये बोला गया था। कोस्टल रेगुलेटरी जोन 3 ये वाली देखो, जो कि गांव देहात का एरिया था जो डेवलप नहीं है, जहां मछुआरों की बस्तियां होती थी, जहां पे बस्तियां बनती थी, झुग्गियां झोपड़े बनती थी, वहां पे भी ये बोला गया कि भैया जी जहां पे बन चुके हो बन चुके हो, आगे नहीं बढ़ोगे आप। ठीक है, ये 200 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन तो ऐसा ही रहेगा, चाहे आप जहां मर्जी हो। ठीक है, समझ लो। और 200 मीटर कहां से उन्होंने मेजर करना? हाई टाइड लाइन से लेके, ठीक है, 200 मीटर ये इको सेंसिटिव जोन है भैया, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। मेक सेंस? ठीक है, यहां पे कोस्टल रेगुलेटरी 2 का और 3 का मतलब समय लग गया। ठीक है, जो यहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, अब उससे ज्यादा नहीं बनेंगी। यहाँ पे तो सड़कें बनी नहीं है, यहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, इसको आगे नहीं लेके जाया जा सकता है। समझ गए? गुड। ठीक है, जो नए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं बन सकते हैं, आप 200 मीटर की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, आपको इस तरफ ही बढ़ सकते हो लैंड की तरफ, और लैंड को तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरफ नहीं बढ़ सकते, मतलब 200 मीटर का कोस्टल रेगुलेटरी जोन हमारे पास था। ठीक है, नो डेवलपमेंट जोन। ठीक है, जो फोर्थ था वो था कि भैया जी लो टाइड लाइन से लेके लो टाइड लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल जो था, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, वो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी MOEFCC से। What is that? Ministry of Environment and Climate Change. ठीक है, वो अगर आपको कुछ एक दो प्रोजेक्ट को छोड़ के, जैसे कोई स्ट्रेटेजी का आपने बेस बनाना है आर्मी का, ठीक है, वो करना है, ठीक है, या कोई आपने पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, गैस की पाइपलाइन बनानी है, उसके अलावा छोड़ के, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को छोड़ के, और कोई चीज के लिए आपको परमिशन नहीं थी यहाँ पे डेवलप करने की, कोस्टल रेगुलेटरी जोन 4। अब खुद सोचो, अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, सी के अराउंड, ठीक है, अगर मैं बना रहा हूँ होटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपने दुबई वाला होटल देखा होगा, है ना, बुर्ज खलीफा, वो अराउंड सराउंडेड बाय, उसको लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, बोलेंगे क्या करते हैं वो भी देखते हैं एक बार। पर अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, सपोर्ट मैं पोर्ट बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत ही अमीर बंदा हूँ, मैं अदानी हूँ, मैं यहाँ पे पोर्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर पोर्ट बनाऊंगा तो मेरे को बड़ा फायदा होगा। ठीक है ना, याद करो। ठीक है, तो मैं अगर पोर्ट बनाना चाहता हूं तो मेरे को पहले MOEFCC की CC से संपर्क करना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं देगी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कोस्टल रेगुलेटरी जोन के अराउंड कि आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पोर्ट नहीं बना सकता था पहले 2011 की नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, अब क्या चेंज आया है 2018 में, दिस यू शुड नो। ठीक है, ये देख लेना एक बार, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने अभी बताया वो यही है। ठीक है, द प्रपोज्ड CRZ नोटिफिकेशन 2018, ठीक है, इसमें क्या होगा उसमें लिखा गया है, ये पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा है, मैंने एक्सप्लेन किया गया सारे का सारा, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब 2018 में क्या चेंज आया देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये इसमें और इसमें अंतर दिख रहा थोड़ा सा, देखो इसमें, देखो मैं हटा देता हूं, साफ कर देता हूं। ठीक है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन 1 था ये, 2 था ये, 3 था ये, और 4 था ये। ठीक है, 1, 2, 3 and 4, मेक सेंस? Now what has taken, और इसके बीच में क्या था, ये वाला एरिया, नो बॉडी कैन फॉर्म एनीथिंग ओवर हियर, दिस वॉज नो डेवलपमेंट जोन। समय लग रहा बेटा, एवरीवन यहां तक क्लियर है सबका? 2011 नोटिफिकेशन बताइए। गुड गुड, अब 2018 में क्या अंतर आता है, ये दिख रहे हो आपको क्या चेंज आया, मोटा मोटा ये चेंज नहीं आ गया? देखो लेट मी शो व्हाट द चेंज हैज कम। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल, ये देखो ये DTAC ले गया, क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ से लिया गया ये सारा कुछ।
2011 नोटिफिकेशन के हिसाब से जो CRZ1 था इंक्लूड मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ये बता दिया मैंने आपको, इट वॉज ऑफ लिमिट्स फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज। नंबर वन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेप्ट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक के अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं बना सकते थे, है ना, 10 मिनट, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, द लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से इको टूरिज्म एक्टिविटीज सच एज मैनग्रोव वॉक्स, ट्री हट्स, नेचुरल ट्रेल्स, आपने देखा होगा है ना कि ये सारी एक्टिविटी इको सेंसिटिव जोन में हो सकती है, ठीक है। डिमार्केटेड इन्होंने क्या बताया कि CRZ को जो इको सेंसिटिव जोन वन था, ठीक है ना, या कोस्टल रेगुलेटरी जोन वन था, उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, 1A and 1B। इसी तरह से मतलब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी ऐसी है कि मतलब इन्होंने आपको घुमा देना है, आप उनको बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा हो रहा है, इको टूरिज्म आ रहा है। अरे भैया, इतने इको सेंसिटिव एरिया में, जब इको सेंसिटिव एरिया में आप ये बनाओगे तो वो तो काम खराब करेगा ना, मैनग्रोव भी खत्म हो जाएंगे, ट्री हट्स भी खत्म हो जाएंगे, ये सारा कुछ नेचुरल ट्रायल्स में वहां पे टूरिज्म आएंगे जहां पे कोई नहीं आ रहा था पहले, अनडिस्टर्ब था वो एरिया, तो वो खराब होगा ना, जहां पे कोई भी नहीं आ सकता था वहां पे सबको आपने आने की इजाजत दे दी। क्या बोला गया कि भैया जी इससे इको टूरिज्म आएगा, इससे बाहर बड़े लोग हमारे पास आएंगे, इसमें हमारे पास बहुत फायदा होगा, है ना, ये बोल के, है ना, लगा समझ, ठीक है जी, गुड। द कॉन्ट्रोवर्शियल लैंड रिक्लेमेशन इन विच न्यू लैंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द ओशन एंड लेक बेड्स इज नोन, ठीक है ना। यहाँ पे अब 1B जो एरिया था, जो वन देख बताता हूं अभी, कहते देखो देखो जो CRZ1 था ना यहाँ पे एरिया, जो पहले 2011 नोटिफिकेशन वन एरिया था, उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। ए में बोलते जी आप जो मर्जी इको टूरिज्म एक्टिविटी करो, मरीन नेशनल पार्क है, चाहे वो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पे आप इको टूरिस्ट एक्टिविटी कर सकते हो, आगे सड़कें लेके आओगे, वहां पे सड़कें बनेगी, वहां से आप पैदल, वहां से आप क्या कहते हैं जीप से या जो ट्रायल्स हैं आपको पता होता है, वो सारा कुछ यहाँ से चलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ बनाने की इजाजत हमारी गवर्नमेंट ने दे दी है। जो 1B है, 1B वाला एरिया है यहाँ पे वाला, उसमें कुछ नहीं किया गया, उसमें बोल दिया गया कि भैया अब आप ना जो पहले नहीं कर सकते थे हम, अब क्या कर सकते हैं हम, लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, लैंड रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी ना, चुप करके यहाँ पे और मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डाल दो, ऊंचा कर दो इसको, यहाँ पे घर बनाओ बैठ के, जो मर्जी करो, समझ रहे हो, हमने लिटरली खत्म कर दिया सारा कुछ 1B से। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने बताया होगा क्या डिफरेंस है, नो डेवलपमेंट CRZ1, ठीक है। यहाँ पे अब क्या चेंज आ गई 2018 में, इको टूरिज्म आ गया, ठीक है, लग गई समझ, ओके। इन्होंने बस जो चार थे उनके आगे एक पार्ट पार्ट कर दिए, A B कर दिया भाई, सारा कुछ कर दिया, है ना, फालतू में। अब दूसरी बात देखो, ये तो 1 था, 2 में क्या चेंज आया, 2 में हमने देखा था ना कि भैया आप लैंड की तरफ नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना, आपको जो ये घर बने देख रहे हो, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इतनी ही रखनी पड़ेगी, 3-3, अब कहते जितनी मर्जी बनाओ, कोई टेंशन ही नहीं, जितनी मर्जी बनाओ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, लैंड बनाओ, उसके लिए लैंड चाहिए तो आपको सड़क बनाओ, जितनी मर्जी सड़क बनाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब 3 था रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया में पहले क्या होता था कि भैया जी जितने घर बन चुके हैं उससे आप घर चारा नहीं बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको घर बनाने हैं तो आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना, जितने घर पहले से चौल बन चुके हैं, जितने झुकी झोपड़े बन चुकी है उतनी रहेंगे। अब क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने कह दिया कि भैया आप बेधड़क जितने मर्जी बनाओ, ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, इस एरिया में मछुआरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आई है, सपोज है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आई है, तो आप क्या करो आगे तक आ जाओ, जो 200 मीटर आपके पास, लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट, जो 200 मीटर आपके पास नॉन डेवलपमेंट जोन थी, हमने सिर्फ 50 मीटर कर दिया है, देखो दिख रहा है, बाकी एरिया पे आप जितनी मर्जी कंस्ट्रक्शन कर दो, 150 मीटर तक आप पहले जो हमने नॉन डेवलपमेंट जोन होता था वो एरिया फ्री में दे दिया किनको, यहाँ पे जो मर्जी डेवलप करो। अब आपको क्या लगता है ये मछुआरे यहाँ पे रहने आएंगे? नो, इनकी तो चांदी लग गई भैया, ये तो करोड़पति हो गए रातों रात, आप देखोगे ना
जो मैं आपको आज शेयर करूंगा लिंक, ट्राई टू रीड इट, रातों रात करोड़पति हो गए कैसे, जो लैंड उनके पास थी अब वो सोने के बाप की होगी सीधी सी बात है। पहले गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन क्या थी, आप यहाँ पे कोई चीज नहीं बना सकते, अब क्या है वो तो बना ही सकते हो, उसके आगे 150 मीटर तक जो मर्जी बना लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, आपको लगता है कि झुग्गियां चौके बनेंगी, और नहीं, यहाँ पे बनेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वे आर इंक्रीजिंग आवर ओन, अब लिखो जो इतनी जोर से इतने पास होंगे सी के, वहां पे पानी आना बनेगा ही अंदर, कोई भी साइक्लोन आ गया तो अंदर ही आएगा पानी, क्या होगा। हम प्रोटेक्टिव एरिया बना रहे थे पहले, जो सबसे पहली नोटिफिकेशन आई थी वो 500 मीटर की बात कर रही थी, 500 मीटर तक नो डेवलपमेंट्स, धीरे धीरे इतने टाइम आते आते तक हमने वो सारा 50 मीटर तक छोड़ दिया, समझ लो। तो 50 और 500 में कोई अंतर नहीं है, इतना पानी अंदर आएगा तो फिर वही हाल होना है जो केरला का हुआ था, आपको पता ही होगा केरला का क्या हाल हुआ था, ठीक है ना। तो सेम थिंग विल अप्लाई, ये देख लेना, ठीक है, मेक सेंस। ये चेंजेस आपने देख लेने हैं, एक बार पढ़ लेना, ये मैंने आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो पहले इनकी, लेट मी क्लियर दिस आउट, इसको पढ़ना बैठ के आराम से, क्या अंतर आया, यही जो मैंने बात कही है वही अंतर आया बस, ठीक है। चले आगे एंड गो फॉर दिस आल्सो, स्क्रीनशॉट ले लो, सही बात की है ना। अच्छा एक बात यहाँ पे मैंने कहनी भूल गया, आपको क्या लगता है कि ये क्यों मतलब इतना ज्यादा डेवलप कराया जा रहा है, एरिया सी 3 और 4 एरिया क्यों डेवलप कराया जा रहा है इतना। देखो अब ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के, ठीक है। आप सबने सागरमाला के बारे में पढ़ा है, मैंने होमवर्क दिया था, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। एक और प्रोजेक्ट है भारतमाला, सागरमाला भारतमाला, भारतमाला इज ए जो लैंड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और, ठीक है ना, रोड एंड लैंड कनेक्टिविटी और बनाएगा, ठीक है। यह है पोर्ट लैंड डेवलपमेंट, ये आपको बताया हुआ, जिनको नहीं पता होगा उनको समय नहीं लग रहा होगा। सागरमाला भारतमाला एंड कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, 3 चीजें, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मतलब जो आप साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने इन 3 प्रोजेक्ट्स को और जस्टिफाई करने के लिए कि इनको कोई आपत्ति ना आए, इनको कोई अड़चन ना आए इनके बीच में, तो गवर्नमेंट ये रूल लेके आई है अभी CRZ वाले, ठीक है ना, जो 2018 में लेके आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, ठीक है। इसके आने से कारण क्या होगा, सागरमाला का प्रोजेक्ट अगर कोई बनाना है तो वो तो पोर्ट बनाएगा ना, पोर्ट अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ बनाऊंगा, CRZ 4th एरिया में, है ना, याद है 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब उसको बनाने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्रॉस करना पड़ेगा, नॉट डेवलपमेंट जोन, ठीक है। अब मैं तो वो कर नहीं सकता, कौन सी नोटिफिकेशन कहता, तो इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसको चेंज करके हमने क्या किया कि सागरमाला में पोर्ट यहाँ पे बनाएंगे अब आराम से, और क्या बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा फायदा मछुआरों को होगा जो वहां पे लेते लोग रहते हैं ना, कोई फायदा नहीं होने वाला उनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कौन से मछुआरे इतने पढ़े लिखे जो यहाँ पे पढ़ने जाएंगे या काम करने जाएंगे, समझ रहे हो। तो बोला तो यही जाता है कि ये पोर्ट लैंड डेवलपमेंट है, यहाँ से हम हिंटरलैंड को डेवलप करेंगे, पूरे इंडिया को इकट्ठा करेंगे, यही होता है। बट एक्चुअली अगर आप इसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट देखो तो दैट इज क्वाइट हाई, ठीक है। पोर्ट बनाने से किसी 2-4 पार्टियों को फायदा जरूर हो सकता है, बट मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर्स को नुकसान हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट भी यही है, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का, ये तीनों आप देखना क्या क्या है, ठीक है। तो ये इनको पुट फॉरवर्ड करने के लिए, इनकी आसान करने के लिए, मुश्किलें, ये सारा काम किया गया, अभी क्यों लाया गया, ठीक है ना, इसीलिए याद करो। तो ट्रू ट्राई टू लर्न अबाउट दिस, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा DTE का, ठीक है, वहीं से ली गई है सारी फोटोज, ठीक है, तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लेना, कोई चीज ना समझ लगे तो आई विल मेक दैट अंडरस्टैंड, ओके। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया आपने कोस्टल रेगुलेटरी जोन एक्सप्लेन कर लोगे अपने हिसाब से। एक और है हमारे पास इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। सबसे पहले याद करना क्या है, क्या ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, मतलब कोई भी लीगली बाइंडिंग बात नहीं है इसमें, इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, किस किस के बीच में,
between nations and organizations which strive to preserve coral reefs and related ecosystems. ठीक है, informal group है, कहाँ के बीच बीच में है, United Nations के बीच में है और बाकी nations के बीच में है, ये आपस में collaborate करते हैं. जैसे कोई नई चीज आ गई है, कोई environmentally sustainable way लग वे ढूंढा इन्होंने, ठीक है ना. जैसे कि अभी ना ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि कोरल रीफ्स थे ना जो, वो मरने बहुत स्टार्ट हो गए थे. कोरल ब्लीचिंग जो थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, कोरल ब्लीचिंग. तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो साइंटिस्ट थे देवर ट्राई टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ कोरल ब्लीचिंग. ओके, तो उन्होंने बड़े साइंटिफिक वे तैयार किए, बहुत सारा चीजें की, बहुत कुछ असर नहीं पड़ा उससे, है ना. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोरल रीफ्स बड़ी जल्दी ग्रो नहीं करते, ठीक है. तो क्या किया इन्होंने, एक इनका साइंटिस्ट था, आई विल शेयर हिज नेम विद यू. तो उन्होंने गलती, अभी 2014-15 की, 15-16 की बात है, ठीक है. तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, वो ग्रो कर रहे थे कोरल्स को और वो ज्यादा ग्रो कर नहीं रहे थे, पूरा अच्छे आर्टिफिशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, ग्रो कर नहीं रहे थे वो. तो इनसे क्या हो गया, एक ना नीचे से निकाल रहे थे मतलब कोरल को, तो इनके हाथ से वो टूट गया. मतलब इनको दुख होगा कि भाई अब ये तो खराब हो गया था, टूट गया अब तो ये मर जाएगा, है ना. तो एक्सीडेंटली इन्होंने जब 4 हफ्ते बाद इनको पूरा निकाला तो पूरी कॉलोनी बनी हुई थी उस बंदे के नीचे, ठीक है. 4 हफ्तों में पूरी की पूरी कॉलोनी बना दी उसने. हुआ क्या, इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया माइक्रो फ्रेगमेंटेशन, माइक्रो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कोरल्स, माइक्रो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कोरल्स, ठीक है. बच्चों क्या, अच्छा हेमंत, माइक्रो फ्रेगमेंटेशन एक जब वो टूट गया ना, टूट गया तो इनमें क्या होता है कि जब ये टूट जाता है ना कोरल्स, ठीक है, क्योंकि ये नीचे गिर गया, दूसरा भी नीचे गिर गया, तो सपोज एक हिस्सा यहाँ पे गिरा है, एक हिस्सा यहाँ पे गिरा है, ये आपस में ग्रो करने शुरू कर देते हैं इस तरफ, ये इस तरफ ग्रो करना शुरू कर रहा है क्योंकि ये एनालाइज करते हैं कि मेरा ही पार्ट है, तब ये ग्रो करना शुरू कर गया, ठीक है ना. तो ये माइक्रो छोटे छोटे हिस्से करके ना पानी में और रिक्वायरमेंट में, एक लेबोरेटरी में पानी के अंदर सारा कुछ दिया जाता है इनको और ये ग्रो करते हैं. बाद में जब ये ग्रो कर जाते हैं ना, इनको उठा के जहां पे कोरल ब्लीचिंग हो रखी होती है वहां पे रख दिया जाता है, ठीक है. इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रो फ्रेगमेंटेशन, समझ रहे हो. अब ये माइक्रो फ्रेगमेंटेशन जो एक वे आया है, इसके कारण आप, इसके कारणवश जो कोरल विलुप्त भी हो चुके हैं या जो कोरल खराब हो चुके हैं, जो कोरल ब्लीच हो चुके हैं, वो दोबारा उतने ही अच्छे तरीके से उगाए जा सकते हैं विद इन वीक्स. पहले इनको करने में सालों साल लग जाते थे लोगों को, पर विद इन वीक्स अब ये चीजें हो सकती है हमारे पास, ठीक है ना. विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक वो आपका पूरे का पूरा बन जाएगा, उसको उठा के वैसे ही रख देना. मैन मेड कोरल्स लाइक यार, नॉट मैन मेड कोरल्स, हमने बनाने नहीं है वो, हमने वहीं से लिए, उन्हीं का एक ग्रुप तोड़ के ले गए आए हैं, उनको हमने ग्रो करके वापस वहीं छोड़ के आए, ठीक है. क्योंकि वो वहीं से ग्रो किए हैं, वो अपने आप को पहचान जाएंगे और वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे वहीं. मेक सेंस, चले, ठीक है. तो दिस माइक्रो फ्रेगमेंटेशन जो था, ये मेथड आपको सबको पहले इकरी ने ग्लोबली सारे के सारे नेशंस को बताया कि ये मेथड हो सकता है ग्रो करने का एक. तो ये शेयर करते हैं इको सस्टेनेबल बेस, ये सिर्फ इनफॉर्मल ग्रुप है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है. इनफॉर्मल ग्रुप है, इनका इनका क्या काम है, इनका ये काम है बस. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ कोरल्स. सेकंड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे अगर आप माइक्रो फ्रेगमेंटेशन सीखना चाहते हो, आपके साइंटिस्ट, तो इंडिया से साइंटिस्ट कहाँ जाएंगे, इकरी के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भेजे जाएंगे, वो इनको बताएंगे किस तरह से करना है आपने, ठीक है ना, नीटिग्रिटी बताएंगे. रेजिंग अवेयरनेस, ये 3 चीजें हैं इनके पास, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना. दे डू नॉट हैव एनी बाइंडिंग एग्रीमेंट. बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हो ना, वो बाइंडिंग है आपके ऊपर, आपको करना पड़ेगा, आपने उसके ऊपर साइन किए हैं आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना. तो आप उसके पीछे नहीं हट सकते हो, इसका कोई नहीं, यहाँ पर हम नहीं मूड कर रहा ना जाओ, ये सिर्फ आपको एडवाइजरी पैनल है, समझ रहे हो, एडवाइजरी है ये, इनफॉर्मल एडवाइजरी पैनल है बस, नथिंग एल्स. मेक सेंस. तो ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो, दैट विल शो योर डेप्थ ऑफ द नॉलेज. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज मैनग्रूव फॉर फ्यूचर.
प्रोग्राम इन इंडिया, जो मेरा कल रह गया था करने के लिए, ये पढ़ लेना है अपने आप से, कुछ नहीं है। ये भी एक तरह का आपका, लेट मी शो इट टू यू, मैन ग्रुप फॉर फ्यूचर प्रोग्राम, एक तरह की ग्रुपिंग है, जिस तरह से ये एक फ्री था, ठीक है ना। ये 7 देशों में बहुत ज्यादा जानी जाती है, जहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, ये वाले ग्रुप की, ठीक है ना। ये उससे वक्री है जो हमने पढ़ी थी बीओबी एलएमई ना, उससे डिफरेंट है ये। ट्राई टू सर्च ऑन क्या डिफरेंट है, क्यों चीज डिफरेंट है। और ये सिर्फ मैनग्रूव्स के लिए नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ मैनग्रूव्स के लिए नहीं। इसमें आपके बाकी जैसे कोरल रीफ्स आ गया, एस्चुरी लगून्स आ गया, सैंडी बीचेस आ गया, ये सारे वेटलैंड्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरह की इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर आल्सो। दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ना है आपने, जस्ट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए मैंने किया था, बस होगी बेटा खत्म, दैट्स ऑल। तो दैट सम्स अप योर कोस्टल कोरल रीफ्स, ठीक है, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया। लेट मी गो ओवर देयर, ठीक है, मेक सेंस, ये सारा कवर कर दिया, आप देख लो, ठीक है। वी हैव डन ऑल दिस थिंग, वी हैव डन थ्रेट्स, वी हैव डन कंजर्वेशन, वी हैव डन ग्लोबल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, गो फॉर माइक्रो फ्रेगमेंटेशन, ये किसी ने नहीं लिखा होगा आंसर में, माइक्रो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। माइक्रो फ्रेगमेंटेशन वी कैन यूज टू मिटिगेट कोरल लॉस, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। बाकी वी नीड टू स्ट्रेंथन कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स, ये हमें स्ट्रेंथन करने चाहिए, ठीक है, क्यों करने चाहिए, क्या जरूरत है, ये आपको बता दिया गया है। वी कैन नॉट डिल्यूट कोस्टल रेगुलेटरी जोन बिकॉज ये इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैन सिवियरली गेट इंपैक्टेड, ये सारा बीच में लिखना, और क्या लिखना यार, यूनिक सोल्यूशन यही है, माइक्रो फ्रेगमेंटेशन हो गया, वी हैव टू प्रिवेंट कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, इको, वी हैव टू मोर स्ट्रेंथन कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स, ठीक है ना, मेक सेंस, दिस इज योर वे फॉरवर्ड, चले आगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस इतनी है, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग मोस्ट प्रोबेबली इंडियन फिजियोग्राफी, ओके, लेट मी स्टार्ट दैट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन फिजियोग्राफी, बी स्टार्ट, बी गुड विद योर मैप, ओके, इंडियन फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के काफी लेक्चर, अब हम यही करेंगे, इसको जल्दी कम करेंगे, ताकि आपका नेक्स्ट जो करवाने जा रहा हूँ, नेशनल पार्क्स भी बीच में आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी भी बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, थैंक यू बेटा, ओके, बाय।